नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वत्सायाणं नमो उवसायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो लोये सर्वसाहुणं। ऐसो पंच नमुक्कारो एसो पंच नमुक्कारो सर्वपापपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान ने साक्षी है। प्रत्यक्ष दादा भगवान नी साक्षी है। वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विचरता वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छू। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छू। 33 कोटि देवी देवताओं ने 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छू। वितराग शासन देव देवियों ने वितराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छू। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छू। आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने आ क्षेत्रना रक्षक देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छू। अखा ब्रह्मांडना जीव मात्रना रियल स्वरूप ने आखा ब्रह्मांड ना जीव मात्र ना रियल स्वरूप ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छु। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करूं छू। जगत भरना संत पुरुषों नु योग बल जगत पर ना संत पुरुषों नु योग बल जगत भरना सत पुरुषों नु योग बल जगत वरना संत पुरुषों नु योग बल अने प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान नु योग बल અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ समस्त विश्वनु कल्याण करो कल्याण करो कल्याण करो સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમ સૌ મહાત્માઓને અમ સૌ મહાત્માઓને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો। परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो। जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो जगतना सर्व जीवो सुख अने शांति ने पामो। जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो जगतना सर्व जीवो समाधान ने पामो। जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो जगतना सर्व जीवो मोक्ष ने पामो। पामो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो
जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु, नीच स्वभाव से सद्गुरु, अगुरु लघु सर्वज्ञ है, अगुरु लघु सर्वज्ञ है, सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु, सूक्ष्म तमा सिद्ध परम गुरु, सत्यम निश्चय वंदे, सत्यम निश्चय वंद्य है, तैत्रिश कोटि देवगण, तैत्रिश कोटि देवगण, विश्वहितार्थे स्वागतम, विश्वहितार्थे स्वागतम, जग कल्याण का यज्ञ में, जग कल्याण का यज्ञ में, मंगलमय द्यो आशीषम, मंगलमय द्यो आशीषम, सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष, सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो, गलती भूल को माफी दो, गलती भूल को माफी दो, व्यवहारे सदबुद्धि हो, व्यवहारे सदबुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि दो, निश्चय में अभिवृद्धि दो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हमें सब आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी, हमें सब आपने भक्ति पूर्वक नमस्कार करी, अने प्रार्थना करिए, अने प्रार्थना करिए छे के मोक्ष मार्ग ने लायक, मोक्ष मार्ग ने लायक, अने सहायक संजोगो, अने सहायक संजोगो, प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ, प्राप्त थाओ। हे श्री अंबे माँ, हे श्री अंबे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, अमे सब आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी, अमे सब आपने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करी, अने प्रार्थना करिए छे के, अने प्रार्थना करिए छे के, प्राप्त मन वचन काया थी, प्राप्त मन वचन काया थी, आ जगत ना कोई पण जीव ने, आ जगत ना कोई पण जीव ने, किंचित मात्र पण दुख न थाय, किंचित मात्र पण दुख न थाय, तेवी स्याद्वाद वाणी, तेवी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन, स्याद्वाद वर्तन,
અને શયાદવાદ મનન કરવાની અને શયાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો પરમ શક્તિ આપો જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ સર્વ મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાનંદ સ્વામીજી આપણે સ્વામીજી એનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું છે આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી એ પ્રમાણે એક જ મિનિટ કમલેશભાઈ પ્રતિભાબેન સ્વામીજીને પહેલા આપણે સ્પોટલાઇટ કરી દો ને સ્વામીજીને સ્પોટલાઇટ કરી દો ને અને કો-હોસ્ટ બનાવી દો એમને કો કો-હોસ્ટ બનાવ્યા છે આ મને અહીંયા કો-હોસ્ટ બનાવી દો અહીંયા હા પણ તમારું નામ ક્યાં સુરેશભાઈ ભારવડ નામ મેં ના જોયું સુરેશભાઈ ને પણ બનાવી દો અહીંયા રિતેશ પારેખ છે ત્યાં પણ બનાવી દો એટલે અહીંયાથી કર કેમ કે બધા અનમ્યુટ થઈ ગયા છે હા હું કર નાખું છું ઓકે કમલેશભાઈ નો કે કેવાની છે ને કહી દે હા જય સચ્ચિદાનંદ બધ સબ મહાત્માઓ કો વો અભી ઓબ્ઝર્વ કિયા ગયા હૈ લાસ્ટ મેની સત્સંગ સે એક મહાત્મા એક સે જ્યાદા પ્રશ્ન પૂછતે હૈ और थोड़ा लंबा भी चलता है इसलिए पीछे वाले जो महात्मा है उन लोगों को पूरा टाइम मिलता नहीं है प्रश्न पूछने के लिए और कभी कभी दो तीन महात्मा छूट भी जाते हैं और दूसरा पॉइंट ये है कि अपना दिस सत्संग भी थोड़ा ज़्यादा आधा पौना घंटा भी आगे एक्सटेंड हो जाता है तो ये भी तय किया गया है कि हर एक महात्मा अभी एट ए टाइम मात्र एक ही प्रश्न पूछे और अगर उसका दूसरा प्रश्न है तो फिर से दूसरा राउंड भी चलेगा वो टाइम पे अपना दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं तो सब महात्माओं को रिक्वेस्ट है हार्टिली कि ये व्यवस्था में सब कोऑपरेट करें एक जय सच्चिदानंद अध्यात्म विज्ञान तमे जो घना बधा ने एवो प्रश्न थाय के आ विज्ञान नी अंदर आपणे शुं करवानुं अने आपणे जो कशुं करवानुं ना होय तो पछी आपणे एनो बेनिफिट शुं मळे એટલે આ મૂળ વાત આપણે શું કરવાનું એ જે પ્રશ્ન ઉભો થાય છે એ આપણો જે અનાદિકાળથી જે કર્તાપણાનો અહંકાર છે એને કારણે ઉભો થાય છે કર્તાપણાનો અહંકાર કુદરતનો કાનૂન બહુ સ્પષ્ટ કહે છે કે મેં કોઈને કોઈ પણ જીવ શ્વાસ લેવાની પણ સ્વતંત્ર શક્તિ આપી નથી અને જે શ્વાસને આધારે આ મન વચન કાયા ચાલે છે એમાં પણ મેં કોઈને કઈ પણ વિચારવાની બોલવાની કે ક્રિયા કરવાની સ્વતંત્રતા નથી આપી એને જેવા કર્મના હિસાબો છે એ જ પ્રમાણે વિચાર વાણી અને વર્તન ચાલ્યા કરે છે અને એની અંદર મનુષ્ય પાસે કે જીવ પાસે ऑप्शन नथिंग स्वामी जी कृपया हो सके तो हिंदी में हिंदी हाँ सॉरी 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 तो कहने का मतलब यह है कि हम सब ये मानते हैं कि हमारे जीवन में हमको कुछ भी नहीं करना है मगर कुदरत का कानून भी यही है कि आपको श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति मैंने किसी को नहीं दिया है और जो श्वास से मन वचन और काया चलता है या तो क्रिया करता है उनको भी चलाने की फ्रीडम अपने आप किसी के पास नहीं है तो फिर ये मन वचन काया काम कैसे करता है तो ये मन वचन काया है वो अपने को अपने कर्मों के पिछले अवतार के कर्मों के फल स्वरूप
वर्तमान में कुदरत जो संजोग देते हैं उसके मुताबिक ही विचार आते हैं, स्पीच भी निकलती है और क्रिया भी हो जाती है हमसे या तो और कोई भी व्यक्ति से, दूसरी व्यक्तियों से। तो फिर अगर हमारे मन वचन काया से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर हम पुरुषार्थ किसको कहेंगे? तो अध्यात्म विज्ञान ने पुरुषार्थ इसको कहते हैं जो कुदरती रचना के अधीन है उनसे मैं मुक्त हूं, उनकी उनको चलाने से मैं मुक्त हूं और उनको भुगतान करते हैं जो मन वचन काया उसके भुगतान से मैं मुक्त हूं, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए अध्यात्म में मार्ग के अंदर मन वचन काया से मुक्त रहना वो पुरुषार्थ है, मन वचन काया को चलाना, बदलना, सुधारना, परिवर्तन करना, ये अध्यात्म मार्ग में इसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। फिर प्रश्न आएगा तो फिर हम इसको अलग रहकर क्या करेंगे? हम अपने मन वचन काया की क्रिया से और मन वचन काया की भुगतान से अगर हम अलग रहेंगे तो बेनिफिट क्या होगा? अगर हम मन वचन काया से मुक्त रहेंगे तो फिर मैं मन वचन काया हूं वो प्रश्न नहीं रहेगा। मेरे को मन वचन काया को चलाना है, मन को, वचन को, काया को, वो भी प्रश्न नहीं रहेगा। और मतलब कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या बोलना है, वो भी हमारा प्रश्न नहीं रहेगा। और तीसरा, मन वचन काया संजोगों के अधीन जो सुख दुख या अवस्था का संजोगों का जो भुगतान करते हैं वो भी भुगतान करने वाले हम नहीं है। इसीलिए फिर मेरे को किसी ने सुख दिया, दुख दिया, मान दिया, अपमान दिया, किसी ने हेल्प किया, किसी ने नुकसान किया, ये सब्जेक्ट अपने आप खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए अध्यात्म के मार्ग में केवल मन वचन काया से मुक्त रहना उसको ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ माना गया है और उसी पुरुषार्थ से ही हम मुक्ति पा सकते हैं। तो फिर प्रश्न ये आ जाता है, तो फिर मन वचन काया अगर हम नहीं है, हम चलाते भी नहीं है, हम भुगतान भी नहीं करते हैं, तो फिर मन वचन काया को कौन चलाता है? तब उत्तर मिलता है कि मन वचन काया को जन्म देने वाला यानी क्रिएट करने वाला, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों कुदरत ही है और तीनों की अवस्था वो कुदरती रचना है। तो फिर और पुरुषार्थ हमको क्या करना है जिसे हम आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ सके? तो फिर उसके बाद पुरुषार्थ ये है कि भी तो फिर अगर हम मन वचन काया नहीं है, चलाने वाले भी नहीं है, भुगतान करने वाले भी नहीं है, तो फिर हम क्या है? तो हम मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा है। और शुद्धात्मा कैसा है? तो कि हम खुद ही चेतन है, हम खुद ही अविनाशी है और हम सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाले है। ये हमारा स्टेटस है और ये हमारा स्टेटस मन वचन काया वो नहीं है। तो बात इतनी सिंपल है और ये सिंपल बात को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पिछले अवतार का जो अभ्यास है वो अभ्यास बीच में आ जाता है और इसीलिए हम ये विज्ञान को विज्ञान दृष्टि से समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं ये मैंने आज जो सिंपल भाषा में मन वचन काया और आत्मा दोनों का जो डिस्क्रिप्शन किया है और दोनों को जो अलग रखा है,
यही हमारा अध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ है और यही पुरुषार्थ से हम अज्ञान से, राग द्वेष से, कसायों से और कर्मबंध से धीरे धीरे मुक्ति पाएंगे। और जैसे जैसे अज्ञान निकलता जाएगा हम हमारा डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, आत्मा के प्रति हमारा निश्चय और मजबूत होगा, धीरे धीरे सभी प्रकार के अज्ञान निकल जाएंगे तो केवल दर्शन हो जाएगा और वही केवल दर्शन के साथ केवल ज्ञान का बीज लगेगा। प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व जो पुरुषार्थ करता है, प्रकृति और परमात्मा को अलग रखता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व भी केवल दर्शन के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जरूरत है नहीं, अज्ञान है नहीं। और लास्ट मर्थ के अंदर माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होगा, यानी आत्मा का स्पष्ट अनुभव, और मन वचन काया जो भी कर्म हमने चार्ज किया होगा उसी प्रकार से वो डिस्चार्ज कुदरती रचना के अधीन होता रहेगा। और जैसे जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे वैसे वैसे हम तो शुद्धात्मा के पद में स्थिर हो गए, मगर कर्म सत्ता के अधीन जो कर्म बाकी है, अघाती कर्म, वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। जैसे अघाती कर्म खत्म हो गया, लास्ट में आयुष्य कर्म भी खत्म हो गया, नया कोई कर्म चार्ज किया नहीं है, पुराना कोई कर्म बाकी ना रहा नहीं है, और वही आत्मा यहाँ से मोक्ष में या तो सिद्ध गति में जाएगा। यही एक सिंपल अध्यात्म विज्ञान का एक सिंपल सरल साइंस है। तो आइए हम सब यही अध्यात्म विज्ञान को और गौर से समझने की कोशिश करें और अपने प्रश्नों का समाधान पाइए। जय सच्चिदानंद। दीपा बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है कि मैं जब भी आपका सत्संग सुनती हूँ तो पूरी तन्मयता होकर सुनती हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं ड्राइंग करती हूँ और योगा करती हूँ तभी पूरा तन्मयाकार होकर ही करती हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि विज्ञान दृष्टि से मुझे कहाँ तन्मयाकार होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे पक्का पता नहीं चलता है। सत्संग में जब बैठे हैं तब तन्मयाकार होके सत्संग सुने वो अच्छी बात है, क्योंकि हमको उसमें से कुछ प्राप्त करना है, मगर बाकी जो मन वचन काया की कोई भी क्रिया है उसमें तन्मयाकार नहीं होना है, सेपरेट होना है, क्योंकि वो अपने आप चलती हुई क्रिया है। हाँ, हम जरूर ऐसा मानते हैं कि हम करते हैं, मगर ये भ्रांति है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका कर्ता भाव निकल जाएगा अपने आप उस क्रिया से आप मुक्त रह सकोगे और तन्मयाकार की दृष्टि जो आपकी है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। हमको तन्मयाकार कहाँ होना है, शुद्धात्मा में तन्मयाकार होना है और प्रकृति को कुदरती रचना के रूप में ही देखना है, प्रकृति से तो मुक्त रहना है, प्रकृति में तन्मयाकार नहीं होना है, क्योंकि हमको आत्मा का अनुभव करना है, प्रकृति का अनुभव नहीं करना है। यानी सत्संग तो तन्मयाकार होकर सुनना है ना स्वामी जी? हाँ, वही तो मैंने पहले बताया ना। ठीक है, समझ में आ गया। सत्संग तो तन्मयाकार होकर सुनना है क्योंकि हमको उनसे प्राप्त करके अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी मुझे ज्ञान दर्शन के बारे में बात करनी है। मुझे एक ज्ञान दर्शन चित्त में होता है, या मैं चार्ज के बारे में बात कर रही हूँ, वहाँ डेवलपमेंट भी ज्ञान दर्शन के चित्त में ही होता है? ज्ञान दर्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, और ज्ञान दर्शन कहाँ होता है?
ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ के रूप में चित में होता है। हाँ। किस में होता है? चित में। पुरुषार्थ कहो उपयोग कहो। हाँ। उसमें चित में होता है उसका ज्ञान। हाँ। और दर्शन। हाँ। और डेवलपमेंट? डेवलपमेंट तो अलग है, ज्ञान दर्शन फिर उसमें मन भी रहेगा, बुद्धि रहेगी, अहंकार रहेगी, यह सब की प्रक्रिया होती है। उसमें से जहां हमारा ज्ञान दर्शन का उपयोग शुद्ध रहेगा वहां अज्ञान डिमोलिश हो गया और वहां हमारा डेवलपमेंट आगे बढ़ जाएगा। बाकी की प्रोसेस जो है वो तो चलती रहेगी और भाव भी चलता रहेगा। तो डेवलपमेंट ज्ञान दर्शन में भी नहीं होता है, वो क्या ईगो में होता है डेवलपमेंट? हाँ, अहंकार 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 के अंदर ही हमारा डेवलपमेंट समाया हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, ये एक प्रकार का ईगो है। मगर वो ईगो दो प्रकार का है, एक अज्ञान को भी जानकारी बोलते हैं, एक ज्ञान को भी जानकारी बोलते हैं, और एक विज्ञान को भी जानकारी बोलते हैं। तो जानकारी का लेवल जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा उनका ज्ञान दर्शन है। यानी हमारा ये आत्मा में जो विज्ञान या आत्मा का ज्ञान को ही हम डेवलपमेंट में ऐड कर सकते हैं, और रिलेटिव सत्य में कोई फर्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट के लिए। आत्मा आत्मा का ज्ञान नहीं, नहीं नहीं, आप नहीं समझे। ये कुदरत का, ये दुनिया का कुदरत का जो सनातन सत्य है उसी को ही हम ज्ञान बोल दर्शन बोलते हैं। तो ये दुनिया का जो सनातन सत्य है वही डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है, उसी से अज्ञान नाश होता है। तो ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये पहला सनातन सत्य। और ये मन वचन काया मैं नहीं चलाता हूँ, मन वचन काया कुदरत चलाते हैं, कुदरती कानून से चलाता है, ये दूसरा सनातन सत्य है। तो एक ज्ञान के रूप में सनातन सत्य, दूसरा दर्शन के रूप में सनातन सत्य। वही हमारा दृष्टि, वही हमारी दृष्टि होनी चाहिए और वही हमारा पुरुषार्थ है, वही हमारा उपयोग है। यानी ये चित्त में ही ज्ञान दर्शन होता है, दृष्टि तो चित्त में ही होता है ना स्वामी जी? बराबर है, वो ज्ञान दर्शन तो चित्त में उपयोग के रूप में चित्त में होता है। उपयोग समझते हैं ना, उपयोग। एप्लीकेशन जब करना है तो वो ज्ञान दर्शन चित्त में होता है। मगर जब डेवलपमेंट की बात होती है तो डेवलपमेंट सेपरेट है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम यहाँ जो मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात करते हैं वो आज का चार्ज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा, मगर डेवलपमेंट डिस्चार्ज नहीं होता है, तो वो डेवलपमेंट अलग हो गया। समझ में आया? तो हम बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब हम मन बुद्धि चित्त अहंकार बोलते तो अहंकार में प्रतिष्ठित आत्मा आता है कि नहीं आता है वो चार्ज में? पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों चार का एक नाम ही प्रतिष्ठित आत्मा है। हाँ, ओके। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब ही है मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसमें अहंकार का रोल मुख्य बताया। अहंकार का मतलब होता है अस्तित्व, मैं हूं। हाँ। फिर मैं क्या हूं वो आपके ज्ञान दर्शन के आधार से आप समझते हैं कि आप क्या हो। हाँ। कोई कहेगा मैं इंसान हूं, कोई कहेगा मैं एनिमल हूं, कोई कहेगा मैं चोर हूं, कोई कहेगा मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ये आपका ज्ञान दर्शन है। ज्ञानी कहता है, जो केवल ज्ञानी है वो कहता है मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये उनका ज्ञान दर्शन है। तो ये ज्ञानावरण दर्शनावरण और मोनिय और अंतराय सब वो ईगो में होता है, ईगो के काउंटिंग में आता है, ज्ञान दर्शन में नहीं आता। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय कर्म जो है वो अज्ञान में आएगा। हाँ। अज्ञान वो दृष्टि अज्ञान दर्शन में नहीं, दर्शन में नहीं रहेगा। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन दोनों आ गया ना। हाँ। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन दोनों आ गया,
और मोहनीय कर्म। तो ये जो बातें हैं, ये तीनों बातें अज्ञान में आती हैं, और अज्ञान वो आपके डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। जितना अज्ञान ज्यादा इतना डेवलपमेंट कम, जितना डेवलपमेंट ज्यादा इतना अज्ञान कम। समझ गए? अब ये हमारा ज्ञान दर्शन जो डेवलपमेंट में ऊपर चढ़ा है, वो डेवलपमेंट के रूप में रहेगा, और सिर्फ चित्त में जो ज्ञान दर्शन अभी का जो मिला है वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा। चित्त में ज्ञान दर्शन रहेगा, वो उपयोग के रूप में रहेगा, अभी उपयोग आपका पुरुषार्थ के रूप में रहेगा, नेक्स्ट वर्ष में वही उपयोग परिणाम के रूप में रहेगा जब कर्मों के संजोग आएंगे तब। ये विजडम हम जो बोलते हैं, विजडम भी ज्ञान दर्शन में ही होता है ना स्वामी जी? विजडम वैसे तो ज्ञान दर्शन बोल सकते हैं, मगर वो बौद्धिक ज्ञान है। हाँ, वो बौद्धिक ज्ञान है। हाँ, अभी हम विज्ञान को समझने की शक्ति होती है, जो हम ग्रहण करने की शक्ति होती है, वो हमारा ज्ञान दर्शन दर्शन के ऊपर निर्भर है ना स्वामी? हाँ, वो भी अपने बुद्धि बुद्धि ही है, मगर वो बुद्धि को सम्यक कहते हैं, सम्यक बुद्धि। हाँ, जो आत्मा को समझने की कोशिश करती है, जो दुनिया के सनातन सत्य यानी कुदरती कानून को समझने की कोशिश करते हैं, वो सम्यक बुद्धि और सम्यक ज्ञान है। हाँ, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, वो बुद्धि के अंदर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। और जो संसार को समझने की कोशिश करते हैं, मन वचन काया को समझने की कोशिश करते हैं, संसार में सुख है वो समझने की कोशिश करते हैं, वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है। अभी जो एक प्रसंग में जो कुछ भी ग्रहण करना है, तो ज्ञान दर्शन पहले प्रतिष्ठित आत्मा में ज्ञान दर्शन उसको एक करेगा, कुछ समझेगा, बाद में उसमें मन बुद्धि, आप ऐसे कहा कि मन बुद्धि बाद में उसमें का प्रोसेसिंग करेगी। जी 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 जी। तो ज्ञान दर्शन का एक विजुअलाइज, एक पिक्चर जैसा उसको ग्रहण करता है पहला। पिक्चर के रूप में भी ग्रहण होता है, और बाद में इनका रोल क्या है वो भी उनको समझ में आता है। ज्ञान और दर्शन, मैंने कल कहा था, कल या परसों कहा था मैंने, कि रिलेटिव ज्ञान दर्शन का मतलब होता है टाइटल ऑफ द पर्संस और टाइटल ऑफ द मटेरियल्स, इसको ज्ञान कहते हैं। और दर्शन का मतलब होता है यूज एंड इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू एंड प्रोसेस ऑफ द मटेरियल और द पर्सन। हाँ, तो इसको दर्शन कहते हैं, मगर वो रिलेटिव ज्ञान दर्शन है। हाँ, जैसे हम कहेंगे कि भी ये कौन है, तो कि ये व्यक्ति का नाम रमेश भाई है, तो रमेश भाई वो ज्ञान हो गया, रमेश भाई की प्रकृति कैसी है वो दर्शन में चला गया, मगर वो रिलेटिव ज्ञान दर्शन। ऐसे हम कहेंगे कि हम कोई चीज को देखते हैं तो क्या कहेंगे, ये कार है, तो कार वो ज्ञान हो गया, दर्शन क्या हो गया, कार कौन से कंपनी की है, कौन सी क्वालिटी के है, क्या उनकी स्पीड है, क्या उनका फीचर्स है, क्या उनकी स्पेशलिटी, क्या उनकी अमाउंट है, आप समझे, तो ये दर्शन में चला गया। टाइटल एंड डिटेल ऑफ द टाइटल वो दर्शन में चला गया। यहाँ टाइटल क्या हो गया, कि शरीर, फिर दर्शन क्या हो गया, शरीर की क्वालिटी, शरीर की एज, शरीर की हेल्थ, शरीर का एजुकेशन, शरीर का रिलेशन, ये दर्शन हो गया। तो ये ज्ञान दर्शन, मगर वो रिलेटिव सत्य क्या हो गया। ठीक है समझे। मेरा प्रश्न ये था, ज्ञान दर्शन जो चित्त जो भी एक प्रसंग में एक सिचुएशन में जो ग्रहण करता है, तो वो विजुअलाइज एक पिक्चर जैसा विजुअलाइज करके सारा एक वो सिचुएशन को सारा एक ऐसे लेके बाद में उसमें मन बुद्धि चित्त प्रोसेस करता है, कि चित्त में थोड़ा प्रोसेसिंग होके बाद में मन बुद्धि काम करता है? नहीं नहीं, पहले चित्त उनको पिक्चर दिखाता है और चित्त उनको समझाने की कोशिश करता है कि ये चित्त ये है, उसके फिर मन भी उसमें प्रोसेस करता है, बुद्धि भी उनमें प्रोसेस करती है, और अहंकार लास्ट में डिसीजन लेता है। जैसे कोई चीज को आपने देखा है, तो देखा है तो पहले उसको ज्ञान और दर्शन के रूप में पहले देखेंगे। हाँ,
फिर मन उसके ऊपर विचार करेंगे, फिर बुद्धि उसके अंदर देखेंगे कि हमारे काम की है कि नहीं चीज है, प्रॉफिट है या लॉस है, लाभ है या हानि है, इसके बाद अहंकार सिग्नेचर करेंगे। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। कमलेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आपका वो लास्ट संडे को आपका और हरीश भाई का सत्संग मैंने थोड़ा सुना था, तो स्वामी जी उसमें ये प्रश्न उठा था कि इंद्रियों के माध्यम से हमको सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो सुख इंद्रिय तो जड़ है, उसको खुद को की अनुभूति नहीं हो सकती है, और आत्मा को भी अनुभूति नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा की हाजिरी से होता है, आत्मा को अनुभूति सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो आत्मा को अनुभूति नहीं होती है, इंद्रियों को भी अनुभूति नहीं होती है, लेकिन अपने को सुख सुख की अनुभूति तो अपने को होती है, तो सुख की अनुभूति किसको होती है स्वामी जी, वो मन में आता है स्वामी जी। जी जी जी, सुख की और दुख की दोनों अनुभूति बिलीफ को होती है, बिलीफ मान्यता। आप जो बिलीफ लेकर आए हो उसी प्रकार से आपको अनुभूति होती है, सुख की या तो दुख की। हाँ वो बराबर। इंद्रिय तो सुख और दुख की अनुभूति करने का इंस्ट्रूमेंट है। हाँ बराबर, साधन है, वो खुद अनुभूति नहीं करता है, नहीं कर सकता वो खुद सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है। हाँ, लेकिन स्वामी जी मान्यता भी है ना, मान्यता वो बरोबर आप जो बोल रहे हैं वहां पे भी आपने बताया वो बिलीफ है, बिलीफ है, लेकिन बिलीफ में मान्यता किसका, अपने जो जो भी रहता है स्वामी जी, जो सुख की अनुभूति जो होती है, या तो ऐसा मन को देखे गए, मन भी अपना जड़ है, ये भी सब जड़ है, तो कहां नहीं कहां पे भी अपना वो जड़ते, तो ये बिलीफ मान्यता माने अपना प्रतिष्ठित आत्मा ही है ना स्वामी जी, मान्यता माने। मगर वो डिस्चार्ज है, पहले हाँ। पिछले अवतार में चार था, अभी वो डिस्चार्ज है, वही अनुभूति कर रहा है, क्योंकि बिलीफ वो लेकर आए ना। नहीं बरो, लेकिन स्वामी इतना बिलीफ मान्यता इतनी परफेक्ट है को उसको अपना ये भी हो सकता है कि अपना वो उसका आनंद या सुख की अनुभूति मान्यता को होता है, बराबर मान्यता के हिसाब से होती है, मान्यता को होती है कि मान्यता के हिसाब से होती है स्वामी जी, मान्यता माने के किसको होती है वो सब थोड़ा जो अभी भी वो माइंड में बैठता नहीं है। मान्यता के आधार से ही सुख की और दुख की अनुभूति अवस्था में होती है, अगर बिलीफ नहीं है तो नहीं होगी। हाँ वो बराबर, मान्यता के आधार से ही आपका जो डिस्चार्ज ईगो है इनको सुखी और दुखी अनुभूति होती है थ्रू योर बिलीफ एंड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट एंड थ्रू द सर्कमस्टेंसेस। पहले बाहर देखोगे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, फिर इंद्रिय आएंगी, फिर बिलीफ आएंगी, फिर ईगो आएगा लास्ट में, मगर कौन सा डिस्चार्ज, ये चारों पार्ट डिस्चार्ज है। ओके, अहंकार भी डिस्चार्ज, बिलीफ भी डिस्चार्ज, इंद्रिय भी डिस्चार्ज और अवस्था भी डिस्चार्ज। हाँ वो स्वामी वो सब अपना समझ में आया, लेकिन अपने ये तो एक है भी अपना दिस ये मान्यता जो है आपने अभी जो बोला मान्यता के आधार पे, लेकिन मान्यता को तो नहीं होता है ना स्वामी जी, किसी ना किसी को तो अपना किसको तो अपना वो सुख की अनुभूति तो सुख की अनुभूति तो वो तो एक सत्य है। तो अभी जो है ना अपने पूरा अपना को जरूरत है अपना जिस आत्मा को ये आनंद का और सुख की अनुभूति होगी जब भी वो अपना मोक्ष में जाएंगे, तभी अदर मोक्ष में जाएंगे, क्योंकि उसका वो ज्ञानी उसका पूरा स्वाभाविक गुणधर्म है उसको। तो इसमें जो ये जो अनुभूति किसी का किसी ना किसी को तो होती होगी समझिए, वो अपना नहीं। आप किसकी अनुभूति, आप आत्मा की अनुभूति बात करते हैं नहीं, अवस्था की अनुभूति की बात करते हो, कौन सा प्रश्न करते हैं? नहीं नहीं, आत्मा की अनुभूति की बात नहीं करता हूँ स्वामी जी, अपना जो अनुभूति होते किसको होती है वो खाली मेरा प्रश्न है। वही तो कहता हूँ मैं, अनुभूति अहंकार को होती है, अहंकार के आगे बिलीफ है, उसके आगे
इंद्रिय है उसके आगे अवस्था है, वही तो मैंने बताया। ओके स्वामी जी, इसका अहंकार को भी सुख की अनुभूति हो सकती है? क्योंकि पिछले अवतार में अहंकार ने तो साइन किया था कि उसमें सुख है उसमें दुख है। ओके बिलीफ का सिग्नेचर किसने किया था? ईगो ने किया था। ओके मैंने पहले भी कहा नहीं, वो कोई भी चीज को ज्ञान दर्शन दिखाता है, फिर मन उसके ऊपर सोचता है, बुद्धि उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करता है, और फाइनल ईगो इसमें साइन करता है। ये चार्ज का भाग है, नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज आएगा वो। ठीक है स्वामी जी, हम लोग दूसरी ओर से देखेंगे। मान लो कि अपने मान्यता अभी खलास हो गई है, मान्यता भी मान लो कि अपने लास्ट बर्थ में है, जो मान लो जो ये केवल ज्ञान हो गया या केवल दर्शन है, तो लास्ट में उसकी मान्यता तो उसकी पूरी खत्म हो गई, तो वो जब भी कुछ इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी जो खाते पीते जो भी रहता है, तो उसका तो वही सबसे मालूम पड़ेगा उसको, वो टाइम पे जो भी खाते पीते उसको कुछ अपना सुख की अनुभूति नहीं होती है स्वामी जी? मैं दूसरी ओर क्यों नहीं होगी? नहीं क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने जो बात किया चारों चार, अहंकार बिलीफ, सुन रिपीट करता हूँ, अहंकार बिलीफ इंद्रिय ज्ञान और अवस्था, ये चारों चार डिस्चार्ज है, तो उनको नहीं रहेगा डिस्चार्ज? हाँ वो तो बरोबर, वो तो रहेगा स्वामी जी। तो फिर इसमें प्रश्न क्या आया? नहीं नहीं वो बरोबर प्रश्न आया, लेकिन ये है ना स्वामी जी, अपना मिस कर वहां पे डिस्चार्ज, ये अपना जो भी रहता है वो अपना डिस्चार्ज, तो उसको अभी मान्यता वही रहता है डिस्चार्ज में भी अपना, वो वहां पे सुख की मान्यता अभी भी उसकी पड़ी हुई है स्वामी जी, अपने जो भी केवल दर्शन। तो डिस्चार्ज में तो मैकेनिकल होता है, तो मैकेनिकल में आप क्या करोगे? यू हैव नो चॉइस। नहीं स्वामी जी लेकिन बरोबर चॉइस है, लेकिन अपने ये मान्यता की बात है, मान्यता माने अपने प्रतिष्ठित आत्मा, तो कुछ जो रहता अज्ञान तो पूरा उसका निकल गया स्वामी जी, तो अज्ञान अज्ञान निकल गया ये वो एक अलग बात है, उसमें कोई जीवंत अज्ञान नहीं है, मगर मैकेनिकल तो रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं तो फिर कर्मों के भुगतान की क्या जरूरत है भाई? चलो भी मेरे को केवल ज्ञान हो गया, फिर कर्म की क्या जरूरत है? नहीं नहीं कर्म के भुगतान नहीं रहेगी, लेकिन अपना वो उसके उसको सुख की अनुभूति हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम वो सेपरेट रहते हो भाई। जिसको ज्ञान के बाद तो जिसको सुख की अनुभूति होती है, जिसको दुख की अनुभूति होती है, उससे उसको कोई कंसर्न ही नहीं है। नहीं नहीं वो कंसर्न नहीं है, वो बाकी कंसर्न करने वाला मीडिएटर जो प्रतिष्ठित आत्मा था वो है ही नहीं। तो फिर पुरुषार्थ का कोई प्रश्न है नहीं, मगर प्रकृति तो अपना रोल बजाएगी ना, जो मैकेनिकल प्रकृति है डिस्चार्ज के रूप में, अंतस्करण और बाह्यकरण और अवस्था है, वो तो वही की वही रहेगी, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? न कम कर सकते हैं न ज्यादा कर सकते हैं। तो उसमें भी अपने सुख की अनुभूति तो उसको प्रकृति तो होगी, डिस्चार्ज है इसलिए वो अपना लास्ट वो में सुख की तो अनुभूति उसकी होगी, सुखी भी होगी और दुखी भी होगी, मगर वो उससे कंसर्न नहीं है। कंसर्न नहीं, ओके बस स्वामी जी मेरा यही प्रश्न था कि उसकी सुखी और दुखी अनुभूति होती कि नहीं होती है स्वामी जी, वही मेरा प्रश्न, किसको होती है? होगा ना, क्यों नहीं होगा? डिस्चार्ज में जो होने वाला है वो तो होगा ही, केवल ज्ञान के बाद भी होगा, क्योंकि आप समझो सिंपल बात ये कि केवल ज्ञान वो आत्मा की बात है, और प्रकृति बाह्यकरण और अंतस्करण दोनों कुदरती रचना है, वो तो वही का वही रहेगा, पहले भी और बाद में, क्योंकि कुदरती रचना को केवल ज्ञान हुआ आपको या नहीं हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ नहीं बरोबर स्वामी जी, बस आपका जन्म से मौत तक का जो अखी प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस, वो तो कुदरती रचना है, अगर आपको केवल ज्ञान हो गया तो भी उससे मतलब नहीं है, नहीं हुआ तो भी मतलब नहीं है, कुदरती रचना तो वही की वही रहेगी आपकी। जब मैंने कहा कि अंतस्करण बाह्यकरण दोनों कुदरती रचना है, तो फिर आपको केवल ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। प्रतिष्ठित आत्मा होता है तो वहां अवेयरनेस की जरूरत है, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, मगर प्रकृति तो वही की वही रहेगी। हाँ वहां पे डिस्चार्ज में तो रहती है लास्ट बर्थ में भी, बरोबर है स्वामी, उसमें कुछ नहीं होगा। नहीं स्वामी जी मेरा वो प्रश्न, उसको सुख की अनुभूति होगी नहीं, बस मेरा प्रश्न वो था कि नहीं, जो होती है वो खाली किसको? एक सामान्य व्यक्ति को जिस प्रकार से सुख दुख की अनुभूति होती है,
इसी प्रकार की अनुभूति केवल ज्ञानी को भी होती है, मगर वो अनुभूति को वो मैकेनिकल मानते हैं, लाइव नहीं मानते, आप लाइव मानते हैं, इतना फर्क है बस। क्योंकि आपके पास प्रतिष्ठित आत्मा है, उनके पास नहीं है, तो उससे प्रकृति से कंसर्न नहीं है। ओके राइट, वो अदर्श मानते हैं, जैसे हम जैसे मकान को अलग मानते हैं, कार को अलग मानते हैं, पैसे को अलग मानते हैं, पत्नी को अलग मानते हैं, ऐसे वो अपने मन वचन काया को भी अलग मानते हैं। बराबर है, राइट स्वामी जी, राइट। इसीलिए उसको केवल ज्ञानी को कंसर्न नहीं होता है। राइट ओके, तो स्वामी जी इसका मतलब ये हुआ कि भी हम लोग ये उसको उसकी असर नहीं होती है, जो भी सुख होता है या दुख होता है केवल ज्ञानी को असर नहीं होती है, या केवल दर्शन जो पाना हुआ उसको असर नहीं होती। तो हम लोग जब भी जो अवस्था में हम लोग अलग रहते हैं, तो वो अवस्था के लिए हमारी स्थिति और अपने केवल ज्ञानी केवल दर्शन की स्थिति वो समय के लिए, ऐसा बता हम लोग इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं? इक्वल नहीं बोल सकते हैं, इक्वल नहीं बोल सकते हैं, नहीं वो पर्टिकुलर अवस्था के लिए स्वामी जी वो। हाँ, मगर केवल ज्ञान की और ये अवस्था दोनों को इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अवस्था पुरुषार्थ के माध्यम से है और उनके अंदर जो केवल ज्ञान होता है तो वो स्वाभाविक है। यहाँ आपका ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है, वो स्वाभाविक है। ओके, बस उतना ही फर्क है ना स्वामी जी, बस और इतना फर्क है, उतना वो स्वभाव के हिसाब से और यहाँ पे अपना पुरुषार्थ के हिसाब से है अपना। जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद, कोटि कोटि वंदन। हाँ, दो पंक्तियां पढ़ूंगा। आ गई थी शिकायत लबों पे मगर, किसी से कहते तो क्या, कहना बेकार था, कोई स्वामी कमलेशानंद जी मिले तो कहने का कोई सार है, किससे कहना यहाँ, चल पड़े दर्द पीकर तो चलते रहे, हार कर बैठ जाने से इनकार था। वो अहंकार के बारे में बोला है ना स्वामी जी, अहंकार के बारे। हाँ, कोई आत्मज्ञानी पुरुष मिलेगा तो ही तो समझेगा कि हमारा दर्द आत्मा का है और वो दवा बताएगा, बाकी तो किसी को कहने का कोई मतलब नहीं। जी जी हाँ, बराबर बराबर। और अष्टावक्र जी ने बताया है कि अकर्ता भाव को आप अमृत की तरह पान करो और सुखी थाओ, सुखी हो, ऐसा बोला अष्टावक्र जी ने। तो उसमें स्वामी जी वो अमृत को, मैं पहले तो ऐसा ही समझ रहा था कि अमृत को ऐसा द्रव्य है मतलब, लेकिन इसमें अमृत को भाव बताया है ने, जो हमारे अंदर जो मुक्ति का भाव है उससे अमृत का जो हमको एहसास रहता है ना। कर्ता भाव, ये कर्ता भाव जो है, कर्ता भाव और मालिक की भाव, वो ही विष है। हाँ, वो विष है। और अकर्ता भाव रहना, मालिक की भाव नहीं रहना, वही अमृत है, बस वही अमृत। ये दृष्टि की बात है, अगर ये दृष्टि में आपको कर्ता भाव मालिक की भाव है तो विष है, दृष्टि में अकर्ता भाव और मालिक की भाव नहीं है तो वो अमृत है। वो आपकी दृष्टि कैसी है उसके ऊपर आधारित है, बराबर है, उसको टाइटल दिया गया है। बराबर है स्वामी जी। और जनक और जनक कहते हैं स्वामी जी, आश्चर्य है कि अनंत समुद्र रूप मुझ में चित्त रूपी हवा के उठने पर शीघ्र ही विचित्र जगत रूपी तरंगे पैदा होती। मतलब चित्त में जो तरंगे हमारी पैदा होती है संकल्प विकल्प की, व्यवहारिक सत्य की, वही उसके लिए ही बताया है ने। वही तो पानी में कुंडाला बनाती है ना, छोटा बड़ा बनता ही रहता है, गोल 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 गोल, और यही चक्कर में हम फंस जाते हैं। इसी को तो माया की जाल बोला है। आप समझे ना? हाँ समझे। तो इसीलिए उसको तो माया की जाल बोला है। शांत पानी, स्थिर पानी होता है, वो माया की जाल नहीं है, मगर जैसे उसमें कंकड़ डाला तो वो चक्कर बनना शुरू हो गया, शुरू होता है, गोल 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 चलता रहेगा, छोटे में से बड़ा 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 बनता रहेगा और उसी में लोग फंस जाते हैं।
ऐसे संसार के चक्कर ही ऐसे हैं, नहीं समझ में आता इंसान को आखिर ये जीवन का क्या मतलब क्या है, जो श्वासों से चलता है वो जीवन, इसका मतलब क्या है, ये आम इंसान को नहीं समझ में आता है। उनको यही लगता है कि ये मैं, मेरे को शरीर मिला है सुख के लिए, मेरे को शरीर मिला है सुख के भुगतान के लिए, मेरे को शरीर मिला है इंद्रियों के भुगतान के लिए। भाई ऐसा नहीं है, ये शरीर मिला है आत्मा की अनुभूति के लिए मिला है। बाकी तो तुम संसार की अनुभूति करते रहोगे, राग द्वेष करते रहोगे, कर्म बनाते रहोगे, जन्म मरण के चक्कर चालू रहेंगे और सुख दुख भी चलता ही रहेगा, तो कोई उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। आपने जो कुछ मेहनत किया इस वर्ष में, माता पिता मिले, भाई बहन मिले, पति पत्नी मिले, बच्चे मिले, संपत्ति साधन सब कुछ मिला, और बाद में सब कुछ छोड़ देने का, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो इन नेक्स्ट वर्ष, तो ये कोई सेंस वाली बात है? ये सेंसलेस बात है। जो चीज आपको ले जानी नहीं है, जो चीज आपको प्राप्त करनी नहीं है, आप समझे ना? समझे। तो वो चीज के लिए इतनी मेहनत क्यों, इतना राग क्यों, इतना लगाव क्यों? यही तो हमारी कमजोरी है। हमको नहीं समझ में आता है कि जीवन किसके लिए है। जीवन अपनी जरूरियातों को पूरी करो, उसमें कोई मना नहीं करते। व्यवहार में जरूरियात को पूरी करो, वो मना नहीं करते। जीवन इसके लिए नहीं, जीव को और प्राप्त करो, और प्राप्त करो, और प्राप्त करो। आखिर क्या करना है आपको? जो छोड़ के ही जाना है उसको प्राप्त किया वो कैसे मानोगे आप? समझे? अगर मैं कहूंगा कि मैंने 25 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया मैंने प्राप्त कर लिया, मगर मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम 5 करोड़ रुपया का यूज किया, तो आखिर 95 जो मैंने पाया है वो तो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि वैसे भी बिना टच किए छोड़ के जाना है, फिर नेक्स्ट बर्थ में स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, तो वो पाया वो तो मेरा पागलपन है ना। हाँ, गलत जगह पे एनर्जी लगा दी सर स्वामी जी। वही तो बेनिफिट क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। पहले पैसा कमाने के लिए मेहनत किया, फिर बचाने के लिए क्या, फिर रास में छोड़ दिया, तो बेनिफिट कहाँ आपको हुआ बताइए मेरे को? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, और वो समय आपका निकल गया, जो समय आपको संशोधन करने का था खुद की पहचान के लिए, वो समय आपको नहीं मिला, क्योंकि आपका समय पैसे के पीछे चला गया, जो जरूरत नहीं थी वो पैसा। जरूरत है, इतना पैसा आदमी को कमाना चाहिए, व्यवहार भी करना चाहिए, हम इसमें मना नहीं करते। हाँ। जरूरत से ज्यादा इतना क्यों सोचते हो? बराबर। तो ये प्रकार से हमने कर्म बांधे है, वो कर्म के अंदर परिणाम में गलती नहीं है, गलती पुरुषार्थ में है, जो हमने कर्मचार्थ किया था उसमें गलती थी। हमने उस समय कर्मचार्थ किया था, मेरे को भव्य बंगला चाहिए, मेरे को 5-6 गाड़ी चाहिए, मेरे को बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज चाहिए, तो फिर आपने ये सब कुछ मांगा था और आपका पुण्य भी था, तो आपको सब कुछ मिला भी, मगर समझ में नहीं आया ये मिलने के बाद आपने क्या प्राप्त किया? वही रोटी कपड़ा और मकान, बाद में चले गए, इंडस्ट्रीज भी चली गई, संपत्ति भी चली गई, साधन भी चले गए, कार भी चले गए, सब कुछ चला गया, नेक्स्ट बर्थ में जीरो लेके आगे गया, तो बेनिफिट कहाँ हुआ आपको? कहीं भी नहीं हुआ। तो ये तो फुलिसनेस है, ये तो बात समझ में आती है ना? हाँ, मैं उसी की बात करता हूँ। हाँ, बराबर। तो इसीलिए आज से हमको सोचना है कि नेक्स्ट बर्थ में हमको क्या चाहिए, यही भावना होनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे को जो भी पाप है, जो भी पुण्य है, उसका मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो, यही भावना हमारी होनी चाहिए। बराबर है। समझ में आया? हाँ स्वामी। ओके ओके, कोटे कोटे वंदन स्वामी। जय सचिदानंद। हेलो, एक अनाउंसमेंट छे स्वामी जी। जय सचिदानंद। अने स्वामी जी, अंतराय कर्म का अंत कैसे होता है? अंतराय कर्म का अंत तो समय से होता है, मगर सबसे पहले ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म है, वहां तक तो अंतराय कर्म फुल रहेगा, मगर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म खत्म हो गया जी, तो फिर अंतराय कर्म सिर्फ समय की बात है, और वो भी फिक्स समय। अच्छा, समय की प्रश्न यहाँ पे आते हैं, जैसे लास्ट बर्थ में जो माता के घर में स्पष्ट वेदन होता है, और फिर लास्ट में केवल ज्ञान होता है, तो स्पष्ट वेदन होता है
केवल ज्ञान होगा वहां तक अंतराय कर्म कहेंगे, मगर वो भी समय के साथ चला जाएगा, बस वो केवल ज्ञान होगा मतलब चला गया। नहीं म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ, खत्म हो रहे हैं वो। अभी अपन दोबारा उस घाती कर्म को और बढ़ा सकते हैं कि वो उसी पर रहेगा, मानस होगा घाती कर्म मजबूत कर सकते हैं। अज्ञान 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 आप अज्ञान को ही ज्ञान मानोगे तो घाती कर्म पक्का होगा, कर्म तो बनेगा ही मगर घाती कर्म भी पक्का होगा। अभी जी अपन बोलते ना कि जैसे डेवलपमेंट होता है, अपन अज्ञान नाश कर रहे हैं तो अपना डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है, तो अज्ञान मतलब क्या समझिए? अज्ञान जिसे कर्म बनता है वो सब अज्ञान है, तो जो घाती कर्म है वही तो अज्ञान है स्वामी जी। हाँ घाती कर्म है वो अज्ञान है, मगर वो अज्ञान बढ़ता भी है मगर कम भी होता है। जैसे बताऊं मैं आपको, अगर आपको ये विज्ञान की जागृति है तो आपका अज्ञान अभी नहीं बढ़ेगा जी, मगर अज्ञानी का अज्ञान बढ़ सकता है जी। हाँ वही समझ जी, अपन अगर पुरुषार्थ जी जी जी, जो अपन अगर पुरुषार्थ में है, अपन राइट बिलीफ के ट्रैक पे हैं, तो अपना ज्ञान बढ़ नहीं सकते ना समझ जी? नहीं अज्ञान नहीं बढ़ेगा, कर्म बनेगा अज्ञान नहीं बढ़ेगा। हाँ मतलब घाती कर्म भी जो है वहीं पे रहेगा, वो बढ़ नहीं सकता। हाँ घाती कर्म नहीं बढ़ेगा मगर नया अघाती कर्म चार्ज होता है वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो सकता है। अज्ञान नहीं बढ़ेगा मगर अज्ञान का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को नहीं बढ़ेगा, मगर कर्म बन सकता है आपका। अगर ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग नहीं रहा तो कर्म तो बनेगा जी समझिए, अज्ञान मजबूत नहीं होगा जी जी। जय सचिदानंद स्वामी जी, जय सचिदानंद, जय सचिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अभी कमलेश भाई ने जो क्वेश्चन पूछा ना उसके संबंध में मेरे को थोड़ा पूछना है स्वामी जी। जैसे बोला कि हमने साइन की पिछले भाव में कि इसमें सुख है बिनी बने इसके आधार से, और अभी हमें संयोग मिलता है तो फिर उसकी अनुभूति होती है के थ्रू अहंकार को सुख की अनुभूति होती है। स्वामी जी जो अहंकार को दुख की अनुभूति होती है तो कोई दुख के लिए तो साइन नहीं करता है, फिर वो दुख भी आता है वो किस आधार से आता है? क्योंकि संयोग दुख वाले भी इंसान को बहुत आते हैं, तो मेरे को लगता है कि हमने जो कुछ दूसरों के लिए खराब भाव किए किसको कष्ट देने के भाव से ये, तो उस वजह से ये आता है या कोई और भी कारण है? नहीं यही मूल कारण अज्ञान है, और अज्ञान की फिर ये ब्रांचेस है, किसी को दुख देने की भावना उससे दुख के संयोग मिलते हैं, किसी को सुख देने की भावना उसके सुख से सुख होने का संयोग मिलता है, मगर ये दोनों अज्ञान है, सुख और दुख दोनों अज्ञान है। शाश्वत सुख तो आत्मा में है, ये तो मान्यता वाला सुख और दुख है। हाँ, हाँ स्वामी जी, वो रिलेटिव सुख है, टेम्प्ररी सुख है, जो हमें अज्ञान से हमने बिलीफ डाले, बिलीफ ज्ञान से बिलीफ बनाई तो उसके थ्रू आते हैं। पर मुझे यही लगा कि दुख के लिए तो हम करते हैं, तो फिर मेरे को विचार आया कि शायद हम दूसरों के लिए दुख का कोई विचार कर लेते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसकी वजह से शायद दुख आते होंगे। संसारिक दुख की बात करूँ, संसारिक दुख की बात ही करें, परमानेंट सुख तो समझ में आता है कि वही अपने रूप में है आत्मा में है, वो तो ठीक है समझ में आता है। और जो संसारिक दुख आते हैं वो दूसरों के लिए दुख की भावना करने से आते हैं, यही पूछना चाहूंगा। हाँ वही वही, किसी को दुख देने की भावना या तो किसी को दुख देने के बाद हमने उसमें सिग्नेचर किया कि जो किया वो अच्छा किया, या किसी को दुख देने के प्रयास करो डायरेक्टली नहीं मगर इनडायरेक्टली, ये तीनों भी दुख के लिए जिम्मेदार है, कारणभूत है। करना करवाना और अनुमोदन करना ये तीनों मूल दुख के कारण है, वैसे वो तीनों सुख के भी कारण है, किसी को सुख देना किसी को
किसी के माध्यम के द्वारा सुख देना और जो सुख किसी को मिला है उसको अनुमोदन करना, ये तीनों के लिए इस सुख के कारण है, इसके रिवर्स विपरीत दुख का कारण है तीनों। ओके, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी ब्रेक ले हो छी, अजय का जन ले लो जी। अबे क्वेश्चन मेरा, मारो प्रश्न छे छ तत्व संबंधी। भौतिक विज्ञान मां तत्वो ए परमाणु ना बनेला छे, तो आपणे आ छ तत्वो पण परमाणु ना बनेला छे? हा, एमा एमा जे जड़ तत्व छे ए परमाणु नु बनेलू छे, चेतन तत्व परमाणु नु बनेलू नथी, अने बाकी ना चार तत्वो छे ए ए परमाणु रूपे छे, पण ए परमाणु रूपे आ जड़ तत्वनी अवस्थाओने सहायक छे, वो सहायक होता है, जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है। आत्मा तत्व परमाणु, आत्मा तत्व परमाणु से बना हुआ नहीं। हाँ, तो चेतन तत्व छे ये परमाणु नु बनेलू नथी। अमृत भाई तमे हिंदी मां पूछो तो सारू। अच्छा, हिंदी तत्व ओके, आत्म तत्व है वो परमाणु का नहीं है? नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो अच्छा, ज्ञान है, ज्ञान प्रकाशक थी, ज्ञान प्रकाशक है। अब भौतिक विज्ञान हाँ। में जो परमाणु होते हैं उसमें भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन वो होता है, तो इसके हाँ, बारे जड़ तत्व में चला गया, वो जड़ तत्व में चला गया, जड़ तत्व में चला गया। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। ये पूरी जो दुनिया दिखती है चलती है ना पूरी, ये सब जड़ तत्व की अवस्था से चलती है। हाँ हाँ हाँ, पूरी दुनिया। तो मुझे ये जानना, पूरी दुनिया में पांच इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है ये सब जड़ तत्व की अवस्था है। अच्छा, हाँ हाँ, बराबर। जो कुछ भी दिखता है सब बराबर। ओके जी, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। इंदिरा बी, जय सच्चिदानंद। आवाज नहीं आ रही स्वामी जी? आ रही, आ रही। हेलो, आपको आ रही है? आपको हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आपके यहाँ कोई तकलीफ होगी? बाकी पुरुषार्थ करना है तो क्या करना है स्वामी जी? नहीं, ये जो आप कर रहे हैं, आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वही पुरुषार्थ आपका बराबर है, वही पुरुषार्थ में आप आगे बढ़ोगे, और कुछ करना नहीं है। यानी हमको तो यही देखना है कि भी भुगतान करने वाला, क्रिया करने वाला जो है वो कुदरती रचना है और हम उससे संपूर्ण अलग है, बस यही तो हमारा पुरुषार्थ है। हाँ, ये पुरुषार्थ, हाँ, ये तो कुदरत की रचना है, ये तो मालूम होता है। और कुछ समय में बोलते हैं ना दादाजी, कुछ शक्ति मांग गए तो उसी आत्मा से, ये शुद्ध आत्मा से कुछ शक्ति मांग लिया तो ये तो, ये भी ठीक है ना स्वामी जी? शक्ति मांगना वो तो ठीक है कि एक प्रकार का अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए है, कि जैसे कोई काम करना चाहते नहीं हो सकता है तो बोला आप शक्ति मांगो। हाँ, ये कहने का मतलब है। हाँ स्वामी जी, ठीक है, जय सच्चिदानंद। कोई भी प्रकार की हमको अगर मानसिकता से कमजोरी महसूस होती है तो आप शक्ति मांगो, और शक्ति मांगोगे स्वस्थ हो जाओगे, फिर आप आगे बढ़ो। हाँ स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, मालूम होता है ये तो कुदरत की रचना है, ये तो आए हुए है, ये समय ऐसे नहीं है, छह तत्वों को देख लिया तो ये समय भी ज्यादा नहीं रहते है, ऐसे होते हैं, वो सब मालूम होता है, वो सब इससे अलग महत्मा ऐसे मालूम होता है। आपके ज्ञान से और भी स्ट्रांग हो गई है, इसीलिए कोई इसमें तकलीफ नहीं ऐसे, लेकिन
एक एक बार होता है ये शुद्धात्मा से ही शक्ति मांगकर, ये तो इफाइल का क्या है, वो निकलते ही जलते है, और थोड़ा शक्ति मांगने से कोई गलत नहीं है ना स्वामी जी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा जब भी कोई तकलीफ आती है और हमको लगता है कि हम इसको फेस नहीं कर सकते हैं, तो अपने आत्मा के पास शक्ति मांगने का अपने को अधिकार है, क्योंकि हम ही मानते हैं कि हमारा आत्मा अनंत शक्ति वाला है, तो फिर मांगने में क्या तकलीफ है? और मांगने वाला शरीर है, देने वाला परमात्मा है, हमको क्या तकलीफ है? हम और किसी के पास तो नहीं मांगते है ना? हाँ 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 स्वामी जी, बस ओके स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कमलेश भाई तमने पूछवानो हो तो तमे हाथ ऊंचो कर्यो तो हवे बीजा छे नहीं कोई रेज हैंड। ओके मयूरी बेन, स्वामी जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी हमने कीधु ने के प्रकृति ने कई पण थाय, हिंदी हिंदी बोलिए, हाँ प्रकृति को कुछ भी होता है तो हम शक्ति मांगते हैं, तो शक्ति हम किससे मांगते हैं? तो आत्मा से मांगते हैं? वही तो आत्मा से ही मांगनी चाहिए, क्योंकि हम इसको मानते हैं कि अनंत शक्ति वाला है, तो और किसी के पास क्यों मांगेंगे? हाँ ठीक नहीं होता है। अगर आप मानते हैं कि मेरा आत्मा खुद ही अनंत शक्ति वाला है, तो मैं बाहर जाके मंदिर में भगवान जो मूर्ति बनाई है उसके पास क्यों मांगूंगा? हाँ या तो आप में अनंत शक्ति है परमात्मा में, वो नहीं मानते हैं तो मूर्ति के पास जाना पड़ेगा। हाँ तो मूर्ति में अनंत शक्ति ऐसा तो किसी ने बताया नहीं है, नहीं क्योंकि वो तो हमने ही बनाई है, प्रतिष्ठा भी हमने की, पूजा भी हम करते हैं, और आत्मा तो स्वभाव से ही अनंत शक्ति वाला है। तो फिर आत्मा शक्ति देता है? ऑफ कोर्स क्यों नहीं देगा, इतने सारे कर्म बंद होते हैं वो आत्मा की वजह से तो होते हैं। अगर आत्मा नहीं है तो कर्म चार्ज कैसे होंगे? आत्मा नहीं है तो कर्म डिस्चार्ज कैसे होंगे? बिना आत्मा चार्ज भी नहीं कर सकते, बिना आत्मा कर्म डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते। तो आखिर जो कुछ भी आप वर्तमान में दिखते हैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से, व्यवहार से, वो सब आत्मा की हाजिरी से ही तो ये कर्म बंधा चार्ज हुआ है। उसकी हाजिरी में होता है लेकिन आत्मा करता है ऐसा नहीं है ना? नहीं मगर पावर तो उनका है ना। अच्छा बिना पावर कर्म आप प्रतिष्ठित आत्मा भाव कर सकता है, मगर पावर तो आत्मा। हाँ तभी तो उनको डिस्चार्ज के समय भी हाजिर रहना पड़ता है। अगर वो नरक में पैदा होता है तो उसको वहां जाना पड़ता है। हाँ समझ आया, जय सच्चिदानंद। राजेंद्र सिंह, कौन? या हाथ चोको छे गजेंद्र सिंह। ओके रिद्धि जोशी, रिद्धि जोशी, ओके स्वामी जी वो ट्राई कर रहे हैं, रिद्धि जोशी, हाँ रिद्धि जोशी ट्राई कर रहे हैं, इसका अनम्यूट नहीं होता है। ओके तो बीजा भाई छे केतन भाई, दीना बेन, कौन से केतन भाई? दीना बेन भरूच। जय सच्चिदानंद, पुरुषोत्तम, आवाज थोड़ा, कोई बात नहीं, आवाज थोड़ा जोर से, आवाज आयो स्वामी जी? अबे आयो बराबर, आवाज आयो स्वामी जी? जी जी पुरुषोत्तम,
તો કેવી ટાઈપની આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ આત્મામાં રહીને, અને સ્વામીજી એકાદશી શા માટે કરવી જોઈએ એ વિશે જરા સમજાવજો. તો એ પ્રકૃતિ કો ये प्रकृति का धर्म है एकादशी करना कि ये मास है, ये सब प्रकृति की बात है. और प्रकृति की बात है तो प्रकृति को क्या करना चाहिए, वो उसके कर्मों के मुताबिक जो संजोग लेकर आए हैं वो तो करता ही रहेगा. ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है कि प्रकृति को क्या करना है, क्योंकि प्रकृति को चलाने वाले हम नहीं है. प्रकृति को कुदरत चलाती है, उसको उपवास करना है या नहीं करना है वो प्रकृति जो संजोग लेकर आई है उसके मुताबिक वो करता रहेगा. मगर हमारा प्रश्न ये है आध्यात्म विज्ञान में है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया जो कुछ भी करते हैं वो कुदरती रचना है. तो कुदरती रचना वाले मन वचन काया से हमको तो सिर्फ मुक्त रहना है. क्या करना है नहीं करना है अपने त्योहारों की वजह से, अपनी मान्यताओं की वजह से, वो प्रकृति का काम है. और प्रकृति को चलाने वाला कुदरत है. प्रकृति को चलाने वाला अगर हम होते तो फिर हमको सोचना पड़ता है कि हमको क्या करना है. मगर प्रकृति को तो कुदरत चलाती है. लेकिन वो एकादशी रहती है स्वामी, उसमें बोलते 11 इंद्रियों को संयम करना, वो जरा समझाए डिटेल में तो अच्छा रहेगा. वो एकादशी वो 11 एकादशी वो 11 11 बोलते हैं वो 11 तो हाँ, तो वो 11 जिसको बोलते हैं 11 एकादशी, तो कहने का मतलब यह है कि ये ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने एक प्रयोग बताया था कि आपको कम से कम साल में महीने में 3 महीने में जो भी आपको सुविधा लगे तो एक बार ये आपको 11 करनी चाहिए. और 11 का मतलब होता है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन. ये 11 चीज को निराहार रहे. निराहार का मतलब ये 11 प्रकार की अवस्थाओं से कर्ता भाव मालिक की भाव खत्म कर देने का, आप समझे. तो धीरे धीरे मालूम हो जाएगा कि आत्मा की शक्ति क्या है, ज्ञान दर्शन की शक्ति क्या है. नहीं तो फिर हम इसमें ही घूमते रहते हैं और उसी की शक्ति को हमारी शक्ति मानते हैं, यही हमारी अज्ञानता है. मगर जब शरीर कुछ नहीं करेगा, इंद्रिय कुछ नहीं करेगा, मन कुछ नहीं करेगा, फिर भी हमारा जीवन चलता है, तो फिर समझ में आता है कि आखिर ये सब कुछ न होने के बावजूद भी या ये सब कुछ अक्रिय होने के बावजूद भी हमारा आत्मा तो वही का वही है. तो इसीलिए आत्मा की अनुभूति के लिए ये सब कुछ को चलाना हमारे लिए पुरुषार्थ के रूप में आवश्यक नहीं है, और उदय के रूप में तो कंपलसरी है. लेकिन स्वामी जी इससे कोई ऊंचा पुण्य बनता है, पुण्य का ग्राफ यानी ऊपर आ जाता है, ऐसा कुछ है. हाँ, वो 11 से अच्छा बनता है. एक आपका डेवलपमेंट बढ़ता है, आपको मालूम होता है मोह खत्म होता है और देहाध्यास भी पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और ये आपको अवश्य लाभ मिलता है. बराबर, यानी पुण्य तो बनता ही है, बराबर है उसे बनेगा. तो स्वामी शांतिलाल, डॉक्टर शांतिलाल जय सच्चिदानंद. स्वामी जी क्रमिक मार्ग का प्रोसेस क्या होता है? वो लोग भी कहते हैं कि पूर्णता को वे भी पाते हैं, जैसे तप जप सब आचार संहिता करके या तप त्याग करके. तो इसका इसका जरा प्रोसेस समझाएंगे क्या होता है, कैसे वो लोग पहुंचते हैं क्रमिक मार्ग? क्रमिक मार्ग की प्रोसेस में पहले इंद्रिय ज्ञान को शुद्ध करो और अपनी प्रकृति को स्थिर और शांत करो, फिर आगे बढ़ के अंदर के भाव को शुद्ध करो, फिर अपने आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ो. तो ये प्रक्रिया
हैं, पहले इंद्रिय ज्ञान को शांत करो। पांच ज्ञान इंद्रिय, आंख कान नाक जीव और स्पर्श इंद्रिय, जिससे ज्ञान होता है वो ज्ञान इंद्रिय को शांत कर दो। फिर जो कर्मेंद्र यानी क्रिया करने वाली इंद्रिया है वो क्रिया करने वाली इंद्रिय को भी शांत करो। इसके बाद मन जो है जो संसारी चीजों की डिमांड करता रहता है इनको भी शांत करो। इसके बाद अपने भाव को भी शुद्ध करो। इसके बाद आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आप आगे बढ़ो। तो ये एक प्रक्रिया है। नहीं वही वो उसके बाद भाव क्लियर करने के बाद उनकी मतलब राह क्या होती है, आगे कैसे बढ़ते हैं वो? जब भाव शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध भाव इसको कहते हैं, केवल आत्मा की अनुभूति करना और संसार को संभाव से निपटारा करना वही तो शुद्ध भाव है। इसमें संसार में कोई प्राप्ति या त्याग की बात नहीं आती है, सिर्फ आत्मा की अनुभूति बात आती है, वही शुद्ध भाव है। तो मतलब हम जो चल रहे हैं जिस राह पर वो वहीं पे मिलता है, जैसे शुद्ध हम लोग शुरू से करते हैं, आगे जाके तो एक ही हो जाएगा, आगे जाके एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। हम लोग शुरू से करते हैं और ये लोग फिर एंड में करते हैं, ये शुद्ध भाव करके जो अलग रहना है, मतलब ऐसा है? नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये दोनों की प्रक्रिया अलग है, दोनों का अंतिम सत्य तो एक ही है। यहाँ प्रकृति के ऊपर फोकस दिया गया है, प्रकृति की शुद्धि को पहले इंपॉर्टेंट दिया गया है, इंद्रिय को संयमित करना उसके ऊपर फोकस दिया गया है, बाह्य क्रियाओं अवस्थाओं को संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना, अपनी जरूरियातों को संयमित करना जी। उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया है और जितना परिग्रह कम इतना राग द्वेष भी कम ऐसा माना गया है। बराबर, आप समझे ना जी। तो ये एक क्रमिक मार्ग का ये कॉन्सेप्ट है। हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मन वचन काया का कर्ता भाव और मालिकी भाव निकाल दो, मन वचन काया से जुड़े हुए जो भी संजोग है इसके अंदर जो हमारा कर्ता भाव और मालिकी भाव है वो निकाल दो, मन वचन काया के प्रति मालिकी भाव है वो भी निकाल दो, मन वचन काया जो भुगतान कर रही है वो मैं भुगतान कर रहा हूँ वो भी अज्ञान निकाल दो। तो फिर क्या करना है, जो मैंने आज शुरू में कहा था, शुरू में स्टार्टिंग में, हमारा काम तो मन वचन काया से 100% मुक्त रहना है। जो यहाँ क्रमिक मार्ग में डेवलपमेंट होके जो हम शुद्ध भाव कहते हैं उसमें वही होता है, इसमें शुभ भी नहीं होता है अशुभ भी नहीं होता है, शुद्ध भाव। तो क्रमिक मार्ग में यहाँ शुद्ध भाव हुआ, ये भी शुद्ध भाव हुआ, मन वचन का ऐसे मुक्त रहना वो भी तो शुद्ध भाव हुआ ने? जी जी, हम लोग शुरू से करते तो वहां दोनों में आपने जैसे सिखाया तो हम लोग शुरू से ही इसको करते हैं और ये लोग फिर एंड में करते हैं शुद्ध भाव करके, जैसे सब शुद्ध करते करते फिर प्रक्रिया अलग है, दोनों की प्रक्रिया अलग है जी। और समाज के अंदर की जो बात करेंगे तो समाज के अंदर तो क्रमिक मार्ग ही धोरी मार्ग है। क्या है? जी, नेशनल हाईवे। क्योंकि आखिर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अगर वो व्यक्ति संयमित है, समाज के लिए हानि करता नहीं है और उनकी जरूरियात भी बहुत कम है तो फिर उसके लिए आगे के मार्ग की आवश्यकता होगी या तो होती रहेगी। मगर जब वो बाह्य संपत्ति और साधनों से जुड़ा हुआ है, उनकी इंद्रिय ज्ञान भी एक्टिव है, तो वो आध्यात्म के मार्ग में संयमित होके आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसा क्रमिक मार्ग में माना गया है। तो ये क्रमिक मार्ग जो है वो कर्ता पद की मान्यता के ऊपर आधारित है, भोक्ता पद की मान्यता के ऊपर आधारित है, और आध्यात्म का जो विज्ञान का मार्ग है वो कर्ता भोक्ता की भ्रांति से मुक्त है, मन वचन काया की मालिकी भाव से ही मुक्त है। और इसीलिए मन वचन काया से जुड़े हुए जो भी क्रमिक मार्ग की
जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो यहाँ संदर्भ नहीं रखता है। करेक्ट करेक्ट। जय सचिदान। थैंक यू। जय सचिदान। अनीता बी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रही है स्वामी जी? जी जी। हाँ स्वामी जी, एक आत्म सूत्र है, आत्म शक्ति नो लीकेज बोलती छे क्रियाओं थी नथी। आत्म शक्ति का लीकेज बोल से है, बोल यानी स्पीच। जी। किसे नहीं है? क्रियाओं थी नथी, क्रियाओं से नहीं है। हाँ, ये आत्म शक्तियों का लीकेज मतलब वाणी से है, बोल का मतलब होता है स्पीच, वाणी से। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो स्पीच हमारी है, वो स्पीच के अंदर से अकर्ता भाव लाना वो बहुत डिफिकल्ट है। इंद्रिय ज्ञान में अकर्ता भाव करना आसान है, पांच इंद्रियों में जो स्पीच है वो मुख्य है। तो स्पीच में से अकर्ता भाव लाना डिफिकल्ट है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है नॉर्मली, चाहे संसारी है, चाहे त्यागी है, चाहे साधु है, सबको यही लगता है कि आखिर ज्ञान तो मेरा है। जो भी बताता है, सामाजिक ज्ञान कहेंगे तो भी मेरे पास है, धार्मिक ज्ञान कहे तो भी मेरे पास है, आध्यात्मिक ज्ञान कहे तो भी मेरे पास है। तो उसमें से वाणी के माध्यम से जो कुछ भी निकलता है उससे अलग रहना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इंद्रियों से अलग रहना आसान है। पर लीकेज बोल, ये तो अवेयरनेस की बात हो गई स्वामी जी, ये तो इसमें बोल रहे हैं लीकेज बोल ये लीकेज, लीकेज का मतलब ये है कि अनुभूति होती है वो भाषा में व्यक्त नहीं होती है, और जो भाषा में व्यक्त होता है वो अनुभूति इज नॉट इक्वल टू होती है, इक्वल टू नहीं होती है। जैसे हम भगवान महावीर को प्रश्न करेंगे कि आपको केवल ज्ञान हुआ तो इसका आप अनुभव एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बोलता नहीं कर सकता हूँ। आपको केवल ज्ञान तक के मार्ग बता सकता हूँ, केवल ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है वो प्रोसेस यानी पाथ को मैं बता सकता हूँ, मगर केवल ज्ञान तो अनुभव का चीज है, वो एक्सप्लेन करने की चीज नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि मेरे को आत्मा का अनुभव हो गया है, मेरे को आत्मा का अनुभव हो गया है, ये सब भ्रांति है। अब समझे ना, आत्मा के अनुभव को व्यक्त करना पॉसिबल है? किसी के पास किसी से पॉसिबल नहीं है। आप समझे ना, आत्मा का अनुभव कैसा हो सकता है वो बता सकते हैं अप्रोक्सीमेट, मगर एग्जैक्टली मेरे को ऐसा हुआ वो नहीं बता सकते। इवन तो आत्मा की बात तो छोड़ दो, मगर व्यवहार की बात करेंगे, व्यवहार की बात, रिलेटिव सत्य की बात करेंगे, तो भी हम कोई हस्बैंड वाइफ को पूछेंगे कि तुमको पति और पत्नी से और पत्नी को पति से कितना प्यार है, तो वो एक्सप्लेन करेगा कितना करेगा? एग्जैक्ट तो नहीं कर सकता है ना जी, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ये कि बताने की थोड़ी बात है। तो आत्मा का अनुभव तो कैसे बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते है ना। इसी के लिए शायद स्वामी जी ओशो ने बोला है कि भगवान बुद्ध को परमात्मा स्वभाव के बारे में नहीं पता था, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने कहा कि ये तो अनुभव की बात है, इसलिए वो चुप हो गए, केवल दर्शन तक का ही एक्सप्लेन किया उन्होंने। पर भगवान पर है, बोलिए बोलिए भगवान। तो भगवान बुद्ध को जैसे आप बताते हैं कि लास्ट बर्थ में जैसे अब उनको केवल दर्शन हो गया, तो उनको अब केवल ज्ञान हो गया होगा स्वामी जी? वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान ही बता सकते हैं, मैं इतना नहीं बता सकता हूँ, मगर वो टॉप लेवल पे थे, और मैं तो यही समझ पाता हूँ कि उनको केवल ज्ञान हो ही गया होगा, मे बी इस बर्थ में या तो नेक्स्ट बर्थ में। क्योंकि तो केवल दर्शन तो अगर हो जाता है स्वामी जी, तो आत्मा का स्पष्ट वेदन तो हो ही गया होगा उनको? नहीं, केवल दर्शन होने के बाद नेक्स्ट बर्थ में स्पष्ट वेदन होता है, वो बर्थ में नहीं होता है। और नेक्स्ट बर्थ ही लास्ट बर्थ होता है केवल ज्ञान का।
तो केवल दर्शन होता है स्वामी जी पर स्पष्ट में केवल दर्शन होता है, जो वर्त में केवल दर्शन संपूर्ण होता है वो वर्त में केवल ज्ञान नहीं होता है, केवल दर्शन से केवल ज्ञान का बीज होता है, नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान होता है, तो लास्ट बर्थ कोई भी व्यक्ति का मैकेनिकल होता है जहां पुरुषार्थ नहीं होता है। सब कुछ फिक्स, जन्म भी फिक्स, केवल ज्ञान भी फिक्स, निर्वाण भी फिक्स। पर स्वामी जी केवल केवल दर्शन जब होता है तो स्पष्ट वेदन तक की अनुभूति तो क्लियर हो गई होती है, पूरी नहीं हुई या कुछ तो फर्क पड़ता होगा जो आपको स्पष्ट बताओ आपके कि केवल दर्शन हो गया तो केवल अज्ञान खत्म हो गया जी। हाँ अज्ञान खत्म हो गया, इसीलिए आपके पास अभी एक ही है, तो बस मैं शुद्धात्मा हूँ और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है। हाँ। अभी मैं शरीर नहीं हूँ तो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अज्ञान ही नहीं है। हाँ हाँ करे मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ये बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आत्मा हूँ वही रहेगा आपको केवल दर्शन होने के बाद। इसीलिए तो मैंने कहा केवल ज्ञान का बीज होता है। समझ में आ गया था आप समझ रहे, मगर प्रश्न क्या होता है जो बीज का जो फल होता है कोई भी बीज का फल सेम बर्थ में नहीं होता है, ये लॉ ऑफ द नेचर है। तो आज ये बर्थ में मेरे को केवल दर्शन हो गया और मैंने आज बीज डाला तो उसका फल ये बर्थ में पॉसिबल नहीं है एज पर द लॉ ऑफ नेचर। ओके, यानी कोई भी बीज का फल इस वर्ष में नहीं मिलेगा, कोई भी बीज का फल इस वर्ष में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुदरत का कानून क्या है, जब आपको जन्म दिया है तो आपको जितने कर्म की भुगतान करनी है इतना आपको ब्रीद देते हैं, ब्रीद, ठीक है। अभी आप इस वर्ष में नया कर्म डालोगे तो ब्रीद कहां से लाओगे, श्वासोश्वास, समझ आ गए। हाँ, समझ में आ गया। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट बर्थ में ही पॉसिबल है। ओके आगे स्वामी जी। और महावीर को तो स्पष्ट वेदन लेकर ही आए थे, उनका लास्ट बर्थ ही था और उनको प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं था, पुरुषार्थ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो बुद्ध भगवान को तो पुरुषार्थ करना पड़ा क्योंकि उनका लास्ट बर्थ नहीं था। पुरुषार्थ करने का मतलब ही है लास्ट बर्थ नहीं था। लास्ट बर्थ। स्वामी जी एक ही टाइम में थे महावीर भगवान और भगवान बुद्ध, समकालीन, तो कभी मिलना नहीं हुआ उनका, कभी आपस में दोनों मिलना नहीं हुआ। यू आर राइट। उसका कुछ रीजन था, जैसे पुरुषार्थ में थे भगवान बुद्ध तो उनको कभी ऐसा नहीं रहा होगा कि महावीर भगवान है वो तो केवल ज्ञानी है तो उनसे मिलने का कभी भाव नहीं उनको ऐसे आया होगा। देखो अभी थोड़े समय पहले हमारे व्हाट्सएप पे एक न्यूज आया था, जरा थोड़ा कॉमिक्स जैसा है कि भगवान महावीर ने शादी किया था, उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, फिर भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम भी यशोदा था और हमारे प्रधानमंत्री की पत्नी का नाम भी यशोदा है। ओके जी। और तीनों वैरागी है। अच्छा ये तो एक कमेंट्स कर दो ऐसा मैंने मतलब व्हाट्सएप में पढ़ा था, मेरे पास अपनी सोच नहीं थी मगर मैं पढ़ा हुआ है वही बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए ये बहुत समझने की बात है, हम इसको इसमें कोई ये विज्ञान में किसी को बड़ा बताना छोटा बताना ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा काम प्रिंसिपल को बताना है। नहीं, आत्मा किसी का बड़ा छोटा तो हो नहीं सकता, आत्मा सबका एक है और जो छोटा बड़ा है वो तो रिलेटिव सत्य में, वो तो कुदरती कानून के मुताबिक कर्मों के बल के मुताबिक है, तो उसमें छोटा बड़ा होना वो तो रिलेटिव सत्य की बात है, आत्मा में कोई छोटा भी नहीं है कोई बड़ा भी नहीं, मगर हम जो बात करते हैं विज्ञान की वो व्यक्ति की अवस्था की बात करते हैं, अवस्था के आधार से कि भी उनको लास्ट बर्थ नहीं था क्योंकि पुरुषार्थ था और महावीर को पुरुषार्थ नहीं था तो लास्ट बर्थ था, इतना ही बता रहे हैं। आप समझे ना जी। जी जय सच्चिदानंद सर। मिलन भाई। सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, प्रश्न ये था कि जो राग की कंडीशन होती है उसमें सेपरेशन इजीली
रह पा रहा हूँ और जो द्वेष है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, तो मतलब ये जो चिकना कर्म जो बोलते हैं उसमें ज्यादा ये मतलब उसमें तन्मय आकार हो जाते हैं। राग में रह सकते हैं अलग और द्वेष में रहते हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है कि इजी है कंपेयर टू ये द्वेष। ज्यादातर लोगों को दुख आता है तो भगवान याद आता है, सुख में नहीं आता है। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन द्वेष की कंडीशन आती है तो टोटली तन्मय आकार हो जाते हैं, मान ले सब कुछ भूल जाते हैं। ना ऐसा नहीं है, शायद आपको समझने में तकलीफ है। दुख की घड़ी आती है तो अलग रहना आसान है क्योंकि हम इसको स्वीकारते नहीं है। राग को स्वीकारना आसान है क्योंकि हम इसको पसंद करते हैं। तो राग में अटैच होना इजी हो जाता है, द्वेष में अटैच होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो बात सही, उस परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करते। आइडियली भी सिद्धांत ऐसा है कि पहले वित्त द्वेष होते हैं, बाद में वित्त राग बनते हैं, लेकिन फीलिंग ऐसी आती है कि नहीं राग में इजी पड़ रहा है ऐसा है। नो, वो तो राग का संयोग अच्छा होता है तो लगता है कि ऐसा इजी है, मगर ऐसा इजी नहीं है। ये प्रकृति का सुख, प्रकृति का माना हुआ सुख, उससे अलग रहना वो आसान नहीं होता है क्योंकि उसी को तो मोहनीय कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोहनीय कर्म। यही तो बात है, मैं यही कहूंगा आपको कि कोई कहेगा कि मैंने किसी को 5 लाख रुपया दिया है वो वापिस नहीं देगा तो मैं उनके लिए गुस्सा करूंगा, द्वेष करूंगा, वैर लगाऊंगा दिमाग में कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं ऐसा वैसा, मगर जब मेरा स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा मैं किसी को कंप्लेन नहीं करूंगा, उस समय मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। यस और नो? यस यस, सब कुछ छोड़ते हैं तो कोई चिंता नहीं है, थोड़ा बहुत छोड़ने का होता है। हाँ हाँ तो ये सोच की बात है ना। जी 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 यही हमारी मतलब हमारी दृष्टि की समझ की कमजोरी है। हाँ बराबर। हाँ ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। नवनीत राय, ये उनको उनको रायचंद जैन कब से वेट कर रहे हैं। रायचंद जैन आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ हो गया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, मेरा प्रश्न ये था कि हाँ सुनाई दे रहा है जी, जो कर्म है किस क्रम बंध से बंधते हैं, कर्म जो है उनका क्या कर्म बद्ध है, मतलब है कि कौन सा कर्म पहले, ये कोई जिस तरह से लपेटा होता है उसी तरह से अगली बार में खुलता है, या क्या उसका प्रोसेस है कि कर्म बद्ध हुए और क्रम से कर्म बद्ध होता है कि उनकी कुदरत की चॉइस है इसमें कर्म बद्ध करने की। हाँ। कर्म करने की सत्ता हमारे पास है और कर्मों के भुगतान करने की अवस्था देने की सत्ता कुदरत के पास है, क्योंकि कुदरत को दो व्यक्ति को मिलाना है, टाइम प्लेस एंड पर्सन, ये सब कुदरत को मिलाना है, ये हमको नहीं मिलाना है। हमको तो मालूम भी नहीं है कि हमारा कौन सा कर्म आने वाला है। तो ये कुदरत का काम है कि आपको कौन से सीक्वेंस में रखना है, वो कुदरत का काम है। हाँ मगर जो भी भुगतान आएगी वो आपके कर्मों का ही हिसाब होगा, मगर उसके सीक्वेंस कुदरत बनाते हैं कि किस सीक्वेंस में आपको कर्मों के भुगतान देनी है। हो सकता है कभी बचपन के अंदर बहुत सारे दुख आ जाते हैं, उसके बाद युवानी में थोड़ा बहुत सुख आता है, उसके बाद बुढ़ापा में बहुत सुख आता है। कई बार ऐसा होता है बचपन में बहुत सुख आ जाता है, युवानी में थोड़ा कम सुख आता है और बुढ़ापा में बहुत दुख आता है। ये सबका अपना अपना होता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब प्रकृति में कोई ऐसा नियम नहीं है जैसे नहीं। अच्छा, वो आपके क्योंकि देखो संजोग कैसा बनता है, दो व्यक्तियों से जो मिलना संजोग है वो मिलाना, वो तो कुदरत का काम है ना। अच्छा। हम उसमें कैसे आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये हमारे अकेले से नहीं होता है ना।
जब ज्वाइंट वेंचर होता है, ज्वाइंट कर्म होता है, उसमें तो कुदरत जब दोनों को मिलाती है, स्थान भी चाहिए, समय भी चाहिए और दोनों व्यक्ति भी चाहिए, तभी तो भुगतान आएगी ना। ये कुदरत का काम है, हमारे उसमें चॉइस नहीं होती है। अरे ऐसा बुढ़ापे में क्यों ज्यादा तकलीफ के कर्म आते हैं, ऐसा भी कुछ नियम है क्या कुदरत का कि बुढ़ापे में ज्यादा? हाँ हाँ, नियम ऐसा होता है, नियम ऐसा होता है, जो व्यक्ति यंग एज में और युवानी में जिन्होंने अपने खुद के बारे में यानी अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचा है, इनको बुढ़ापा में इसीलिए दुख आता है क्योंकि सबसे पहले तो इसकी जो इंद्रिया है वो धोखा देती है, शारीरिक कम ताकत है वो भी धोखा देती है, हड्डी बड्डी सब धोखा देती है, परिवार के लोग भी धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर सकते, तो ये सब कुछ हमको धोखा देते हैं समय समय पे, उम्र होती है तो, और संपत्ति भी हमारी होते हुए भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, इतनी भी हमारी शक्ति नहीं होती है, पैसा है यूज नहीं कर सकते, बच्चे युवान जो कर सकते हैं पैसा, चलो भी हम घूमने जाएंगे लाख दो लाख रुपया खर्चा करके आएंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो ये तब मर्यादा आ जाती है। तो क्यों ऐसा होता है? तो कुदरत कहती है जो व्यक्तियों ने युवानी में या तो टीनेजर्स में जो आनंद किया है अज्ञानता के आधार से, तो बुढ़ापा में उसकी नेगेटिव अवस्था उसके लिए दुख दुख रूप हो जाती है, मतलब पिछले जन्म में। यह अवतार की बात करता हूं, पिछले जन्म यह अवतार में, हाँ ये अवतार में परिणाम के रूप में जब युवानी में या तो यंग एज में जो हमने सुख प्राप्त किया है अज्ञानता से, तो बुढ़ापा में हमको इसी अवतार में दुख लगेगा, मगर युवानी में या तो यंग एज में हमको अगर कोई ज्ञान मिल गया है तो बुढ़ापा में अगर दुख आता भी है एक्चुअली तो भी दुख नहीं लगेगा, क्योंकि वहां तक हमारा ज्ञान मैच्योर हो चुका है। अच्छा। बाह्य अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मगर अपने ज्ञान दर्शन में तो अनुभूति में तो आप परिवर्तन कर सकते हैं पुरुषार्थ से। तो इसीलिए किसी को दुख नहीं आता है ऐसा थोड़ी है, महावीर को भी कान में खिला लगाना पड़ा था तो उनको भी तो दुख आया था, मगर वो ज्ञानी थे, केवल ज्ञानी थे तो उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, तो तकलीफ नहीं आती ऐसा तो नहीं बनेगा, मगर तकलीफ की अनुभूति अज्ञानियों को ज्यादा होती है और ज्ञानियों को अनुभूति बहुत कम होती है या तो होती ही नहीं है, सिर्फ प्रकृति को होती है। मतलब प्रकृति से इतना अलग हो गए होते हैं कि उनको मतलब है कि वेदना होती ही नहीं है, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है। आज एक मिनट, आज हर इंसान को जब रात को नींद आ जाती है तो उस समय नींद में उनको कोई भी प्रकार के शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक दुख का अनुभव नहीं होता है, यस और नो? हाँ, नहीं होता, ठीक है। एनी एज ऐसे ज्ञानी को ज्ञान से अनुभूति होती है, वो ज्ञान में ये प्रकृति के अंदर सो जाते हैं और परमात्मा में जाग जाते हैं, तो उनको प्रकृति की अनुभूति नहीं होती है, जैसे हम सो जाते हैं उसी प्रकार से। हाँ हाँ, चलिए जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। आपको समाधान हुआ ना? बिल्कुल समाधान हुआ। मैं फिर कोई और प्रश्न लाऊंगा, नेक्स्ट पूछूंगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कमलेश भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। पहले वो दीपा बेन और अपना सुधा बेन जो किया था उसके बारे में मुझे थोड़ा प्रश्न करने का था स्वामी जी। वो तन्मय कर के लिए बात किया था अपना दीपा बेन ने, लेकिन स्वामी जी अपना उदय कर्म जब भी रहता है तभी उस उदय कर्म तक हम लोग तन्मयकार होते हैं तभी अपना वो काम कर सकते हैं ना स्वामी जी, तो तन्मयकार का मतलब अपने को क्या लेने का है स्वामी जी? तन्मयकार का मतलब क्या होता है? जब लाइव प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति के साथ तन्मयकार हो जाता है तो हम इसको तन्मयकार कहेंगे, वो अपना। वाला भाग अपने आप तन्मयकार होता है तो वो तो होगा ही ना, तभी तो हाँ, बस बस वही
नहीं बरबर स्वामी में तो हमारे पास चॉइस है ही नहीं। हाँ हाँ नहीं बरबर नहीं नहीं स्वामी वही खाली क्योंकि अपना क्लैरिफाई करने का था भाई तन्मयकार माने अपना जो प्रतिष्ठित आत्मा जो है चार्ज है वो उसको तन्मयकार होगा तो बाकी अपना जो उदय वाला तो उतना होगा होगा ही वो तो सवाल ही नहीं वो तो हमारे हाथ में है भी नहीं है ही नहीं बरबर राइट। और स्वामी जी दूसरा अपना सुधा बेन का जो प्रश्न था उसके लिए कि उसमें बोला अपना जिस वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे सुधा बेन जी तो स्वामी जी अपना जब भी हम लोग सेपरेट रहते हैं तो अज्ञान अपना कम होता है तो स्वामी जी उसका जो अज्ञान होता है मीन्स बाद में अपना जो आत्मा पे आवरण है वो उतना टू डेट एक्सटेंट अपना उसको कम हो जाता है राइट स्वामी जी तो उसका जो इफेक्ट है स्वामी जी अपना नेक्स्ट बर्थ में आता है कि वही भाव में आता है कि जो उसका जो रहता है क्योंकि अगर वो है कि उसका सेम बर्थ में आता है तो फिर उसका ज्ञान दर्शन तो अपना वो अपना कम हो गया अपना अनावरण हो गया तो फिर उसका ज्ञान दर्शन तो ऑटोमेटिक अपना जो परसेंटेज अपना बढ़ ही जाता है ना स्वामी जी वो थोड़ा समझ में नहीं आता है स्वामी जी। नहीं मतलब क्या नहीं स्वामी जी नेक्स्ट बर्थ में क्या आएगा ये बर्थ में क्या आएगा ये समझ में नहीं आया मेरे को एग्जाम्पल तो मालूम होगा आवाज बरोबर नहीं आ रहा है या तो मेरा आवाज नहीं आ रहा हाँ स्वामी कमलेश भाई तुम्हारा आवाज ब्रेक थाई छे अभी आता है मेरा आवाज बरोबर हां बोलिए हवे बराबर छे ओके हां स्वामी जी मेरा ये था कि वो उसने प्रश्न किया था कि ज्ञान दर्शन जब भी अज्ञान हमारा नाश होता है वो टाइम पे जो उसका डेवलपमेंट वो कहां पे वो चित में होता है कि कहां पे होता है उसका प्रश्न था बुद्धदाय बहन जी का तो स्वामी जी आपने बोला भाई अपना वो अपना अज्ञान उसका कम होता है लेकिन उसका जो ज्ञान दर्शन जो है अज्ञान रहता है उसका अपना चित में उसका नहीं होता है वो अपने स्वामी जी अपना जवाब दिया। स्वामी जी इसका मतलब वो जब भी उसका अज्ञान कम हुआ उसका मतलब ये हो गया ना तो अपना ज्ञान दर्शन का जो पोर्शन है ऑटोमेटिक बढ़ ही जाता है ना स्वामी जी। नहीं बताओ डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान दर्शन अलग है और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में जो ज्ञान दर्शन है वो अलग है। चार्ज दर्शन वो प्रक्रिया के अंदर है। स्वामी जी तुम्हारो वॉइस बहुत वॉल्यूम बहुत लो थई गयो छे। हां हां तुम्हारा लो थई स्वामी जी। हां अभी अभी सुनाई देता है थोड़ा कम हवे हवे बराबर छे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो डिस्चार्ज अंतस्करण के अंदर जो ज्ञान दर्शन है वो तो पुरुषार्थ में सहायक है और जो डेवलपमेंट में ज्ञान दर्शन है वो तो कैरी फॉरवर्ड इन बर्थ टू बर्थ। तो जो मन बुद्धि चित अहंकार के अंदर जो चित शब्द में जो ज्ञान दर्शन बताया वो तो पुरुषार्थ के लिए है। कौन सा पुरुषार्थ है? जिसके आधार से बीज लगेगा और बीज का नेक्स्ट बर्थ में फल आएगा तो वो ज्ञान दर्शन भी डिस्चार्ज हो जाएगा और फल मिल जाएगा बार। मगर जो डेवलपमेंट का ज्ञान दर्शन है वो तो कहीं पर होता ही रहेगा। हाँ, नहीं, नहीं। वो अलग है और ये अलग है। जब आप अंतस्करण की बात करते हो तो उसमें जो चीज है वो अलग है। हाँ। और जब आपको डेवलपमेंट का ज्ञान दर्शन बोलोगे तो वो अलग हो गया क्योंकि वो आपकी कैपिटल है और यहाँ यूज है। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में जो चीज शब्द में जो ज्ञान दर्शन है वो यूज है। यूज आप यूज करते हैं पुरुषार्थ के लिए और डेवलपमेंट में जो है वो ज्ञान दर्शन वो कैपिटल है वो परमानेंट रहेगा वो कभी माइनस भी नहीं होगा। नहीं बट वो स्वामी जी अपना वो माइनस नहीं होगा लेकिन अपना जितना भी अपना कम हो जाता है मान लो आधा टका भी कम हो गया तो आधा टका मान लो जिस मेरा पहले अज्ञान मेरा 50% था अभी 1% कम हो गया तो 49% मेरा अज्ञान रह गया तो स्वामी जी अब मेरा 50% अज्ञान है तो मेरा अपना ऐसा मान सकता हूँ कि मेरा ज्ञान दर्शन जो है मेरा 50% ज्ञान दर्शन और 50% मेरा अज्ञान है। बरोबर तो अभी मेरा एक
मेरा अज्ञान कम हुआ तो 1% मेरा जो है वो ज्ञान दर्शन जो मेरा बढ़ना चाहिए वो ये भाव में बढ़ता है कि नेक्स्ट भाव में बढ़ता है, मेरा ये प्रश्न था स्वामी। सेम बर्थ में, सेम बर्थ। हाँ तो सब तो ओके हाँ तो ये ज्ञान दर्शन जो बढ़ता है तो स्वामी जी उसका वो अपना वो चार्ज ज्ञान दर्शन में आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, वो कहाँ पे होता है? वो चार्ज में जो ज्ञान दर्शन होता है वो कर्मों को चार्ज करने के लिए होता है, तो इसलिए नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी डिस्चार्ज हो जाएगा और स्पीच एक्शन भी डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ नहीं वो बात तो बराबर है स्वामी जी, वो तो अपना वो तो डिस्चार्ज होगा अघाती कर्म का वो सब जो वो तो क्लियर हो जाता है, लेकिन अपना जो ज्ञान दर्शन जो बढ़ना चाहिए स्वामी जी अपना वो कभी बढ़ता है। प्रतिष्ठित आत्मा की बात करते हो, प्रतिष्ठित आत्मा में बढ़ता है या कम नहीं होता है, डेवलपमेंट में बढ़ता है। प्रतिष्ठित आत्मा में यूज होता है, क्या होता है? प्रतिष्ठित आत्मा यूज, अभी यूज हुआ तो वो चार्जिंग की प्रोसेस हुई, नेक्स्ट पता वही प्रोसेस डिस्चार्ज में हो जाएगी, ऑटोमोटिक हो जाएगी। तो अपना जो अज्ञान का जो उपयोग है, अपना अज्ञान दर्शन जो है अज्ञान निकालते है उसका मीन्स का अपना कारण शरीर अपना जो बनता है अपना उसमें अपना जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो टू डेट एक्शन अपना वो कम होगा, वो अज्ञान टू डेट एक्शन अपने को नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड उसका कम होगा। ऑफ कोर्स ओके, आपका डेवलपमेंट बढ़ गया तो अपने आप बढ़ गया तो अपना वो ज्ञान दर्शन अपने नेक्स्ट बर्थ में उसका वो प्रॉपर वही लेवल कैरी फॉरवर्ड होगा। हां तो नेक्स्ट बर्थ में वही अपना डिस्चार्ज ज्ञान दर्शन अपना नेक्स्ट बर्थ में अपना वो चित्त में वो रहेगा ही रहेगा वो। या ओके ओके स्वामी, जय सच्चिदानंद। हेलो, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अवाज ओछो आवे छे स्वामी जी, तमारो अवाज ओछो आवे छे, तमारो अवाज ओछो आवे छे स्वामी जी। स्वामी जी आपका अवाज थोड़ा कम लगता है, अवाज बहुत ओछो आवे छे स्वामी जी, तमारो संभळातुं नथी स्वामी जी, अवाज नथी आवतो। अरे हाँ ये जुए छे, जुए छे। સ્વામી જી હમણાં આપણી વાત થઈ, આપણે હમણાં વાત ઉપવાસ વિશે થઈ હતી તો એનો જ રિલેટેડ છે કે સનાતન વિજ્ઞાન માં આપણે ઉપવાસ નું શું મહત્વ છે? હિન્દી હિન્દી મેં હિન્દી મેં सनातन विज्ञान में अभी अपनी बात उपवास के बारे में वो हुई थी, अग्यारस के बारे में, तो सनातन विज्ञान में ये उपवास के बारे में यानी कि एकादशी के बारे में क्या महत्व है? कोई नहीं, एक प्रयोग है बस, प्रयोग है, प्रयोग क्रिया अलग चीज है, क्रिया वो पाप पुण्य से जुड़ी हुई चीज है, प्रयोग का मतलब हम अनुभव करते हैं कि अगर हम मन का उपयोग नहीं करते हैं, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, इंद्रियों का उपयोग नहीं करते हैं, हाथ पांव का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, फिर भी मेरी लाइफ चलती है, तो अनुभव करते हैं, तो फिर हमको लगता है कि नहीं ये मिलने से ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होता क्या होगा, तो आपको अनुभव हो जाता है कि नहीं सब कुछ नहीं होने के बाद भी मेरा जीवन तो चलता ही रहेगा, एक प्रकार का आत्मविश्वास बढ़ता है ये प्रयोग से, प्रयोग से। और स्वामी जी उससे हमारी जो अगली बात हुई थी आगे थोड़ी देर पहले कि पुण्य तो बनता ही है बराबर है, और डेवलपमेंट भी थोड़ा ऊपर आता है उससे जो बराबर है ना, और स्वामी जी दिया क्यों करते हैं भगवान के पास, दिया जलाते हैं उसका कुछ अपने विज्ञान में? वो तो प्रकाश का प्रतीक है,
अंधेरा दूर करने के लिए प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश का एक प्रतीक है, प्रतीक बराबर है। तो आत्मा का प्रतीक, आत्मा की यानी आत्मा का प्रतीक नहीं है कि जैसे आत्मा की ज्योत जलती रहे, ऐसा कोई प्रतीक नहीं है। ये लोग इसको ऐसा बोलते हैं, मगर एक प्रतीक है। प्रतीक है, बराबर है। बस बस जय सच्चिदानंद स्वामी जी, वही पूछना। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद સ્વામી જી। હવે મારો છેલ્લો પ્રશ્ન છે, એ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, હું જ્યાં ગુજરાતી બોલીશ તમે હિન્દીમાં પ્રશ્ન કરી નાખજો ટ્રાન્સલેટ। આપણે તમારા સત્સંગમાં સાંભળ્યું હતું કે આપણને જે શરીર મળે છે એ જ વેદનીય કર્મ છે, તો પછી એ બધું નેગેટિવ લાગે, કારણ કે શરીર તો સાધન તરીકે આપણે યુઝ કરવાનું છે, તો આમાં મને જરા કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું કે આ કેવી રીતે વેદનીય કર્મ કહેવાય, પણ આપણે શરીરને તો સારી રીતે એને રિસ્પેક્ટ કરવાનું। તમે આપને કહા શરીર હે વેદનીય કર્મ હૈ વો આપ મેને કહા ને કે યે હર બાતે જબ સિદ્ધાંત જબ સુનતે હૈ ને તબ ઇસકો નોટ કરના પડેગા। જૈસે આઠ કર્મ કી બાત કહા, વેદનીય કર્મ કા મતલબ ક્યા હોતા હૈ। वेदनीय कर्म का दो प्रकार, साता एंड असाता, ठीक है। तो साता और असाता के बिना तो कोई कर्म है ही नहीं, बॉडी में और कौन सा कर्म होता है, या तो साता होगा या तो असाता होगा। चले मारे पॉजिटिव लेवानो। अच्छा नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं, साता कर्म उसको भी कर्म बोलेंगे, असाता भी को भी वेदनीय कर्म बोलेंगे। वेदनीय कर्म की दो ब्रांच है, साता असाता। भगवान ने तो यही बताया, जन्म जीवन मृत्यु वो वेदनीय कर्म है। तो वेदनीय कर्म का दो ब्रांच है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो वेदनीय शब्द की जो हमारे दिमाग में जो मान्यता है ना, वेदनीय का मतलब होता है दुख, दुख नहीं, वेदनीय का मतलब होता है सफरिंग, आइदर लाइक और डिसलाइक, मगर दोनों को सफरिंग कहेंगे। पाप और पुण्य दोनों को सफरिंग कहेंगे। तो सफरिंग का इंग्लिश वर्ड है वेदनीय कर्म। वेदनीय मतलब दुख नहीं, वेदना नहीं, वेदना का मतलब होता है टू नो, आपको अनुभूति करना है, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, वो दोनों को वेदनीय कर्म बताए। ओके ओके स्वामी जी, मुझे समझ आ गई, थैंक यू। ओके अभी कोई ना प्रश्न आया छे पण अब लेवाना छे के ले, एक एक दो एक पे ले लूं बात। घनश्याम भाई, સ્વામી જી જય સચ્ચિદાનંદ, સંભળાય છે? જય સચ્ચિદાનંદ, યસ યસ, જય સચ્ચિદાનંદ। સ્વામી જી મારે થોડું ક્લેરિફિકેશન જોઈએ છે। યસ ગંજન ભાઈ, હિન્દીમાં હિન્દીમાં ગંજન ભાઈ પોસિબલ હો તો હિન્દીમાં। હા, જો હમ જ્ઞાન ઓર દર્શન કી બાત કરતે હૈ તો જ્ઞાન ઓર દર્શન મેરે દિમાગ મે એસા હૈ કે જો લાઈવ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા હૈ જિસમે मन बुद्धि चित और अहंकार, तो ज्यादातर मन बुद्धि और चित का रोल है जो हम डाइवर्ट करते हैं अगले जन्म में हमें कैसा होना चाहिए, हमें जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मिला है उसके हिसाब से, तो ये पुरुषार्थ में जाता है। और जो हमें दृष्टि से मिला है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और ये जो लाइफ है वो मेरे अगले जन्म के हिसाब से कुदरत कुदरत का कानून से कुदरती रचना खड़ी करके वो रिजल्ट देके हमें उसमें से बंधन मुक्त करती है, वो दृष्टि है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, या जो हम पुरुषार्थ लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में मन बुद्धि चित से करते हैं उसको बोलते हैं, वो मुझे क्लैरिफाई करवा। हाँ हाँ, अज्ञान को नाश करना वो हमारा मूल पुरुषार्थ है आध्यात्म के मार्ग में, और ज्ञान दर्शन जो हमारा है सत्ता में इसका उपयोग करना वो पुरुषार्थ हमारा कर्म को चार्ज करने के लिए है फॉर नेक्स्ट वर्थ जी। तो अज्ञान को नाश करने का पुरुषार्थ, उसमें आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा, और यहां आपने ज्ञान शुद्ध ज्ञान दर्शन का उपयोग किया अवस्था में, उससे जो चार्ज बनेगा उससे आपको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मिलेंगे, तो दोनों अलग चीज हो गए।
एक में कैपिटल बढ़ती है, एक में कॉज बनता है, मगर कौन सा कॉज? मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। ओके, एक बात क्लियर होती है कि जो हमारा लाइव अंतस्करण है, जिससे जिसमें हम मन बुद्धि और चित्त से जो हम सम्यक जो दृष्टि मिली है उसको उपयोग करते हैं, राइट, संजोगाधीन जो उपयोग करते हैं, तो वो हमारा कॉज एंड इफेक्ट के रूप में आता है। जी जी बराबर। आज का कोई भी प्रकार का, मैंने कहा था ना, उपयोग शब्द पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, और जो जागृति है अज्ञान को नाश करने की जागृति, वो डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है, मगर इसका यूज करना वो पुरुषार्थ है। मैंने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करती है तो पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान, ये तीनों की सहाय से वो पुरुषार्थ करता है। जी, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में जो आप बोल रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, मैं जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें अभी मुझे क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है सिद्धांतों को उपयोग करके अज्ञान को नष्ट करना, वो डेवलपमेंट होता है, मगर सिद्धांतों का उपयोग करके अपने को पुरुषार्थ करके प्रकृति से अलग रहने का पुरुषार्थ करना, वो पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग पैदा करता है। स्वामी जी, आप मुझे समझा रहे हैं, शायद पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात क्यों फिट नहीं होती है। मैं समझ सकता हूँ, मुझे आपने जो कॉज एंड इफेक्ट का बताया वो क्लियर पिक्चर है मेरे माइंड में, कि आज के संजोग में जो मुझे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन मिला है उसका मैं उपयोग करता हूँ, और नेक्स्ट बर्थ का मैं कॉज डालता हूँ कि मुझे कैसी लाइफ चाहिए, मुझे मोक्ष मार्ग के लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, वो मेरा पुरुषार्थ है जो मैं संजोगों में उपयोग करता हूँ दृष्टि से, और बीज भी डालता हूँ साथ में, तो वो मेरा कॉज एंड इफेक्ट का है, इट इज अ क्लियर इन माय माइंड। हाउएवर, मेरे दिमाग में अभी जो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, राइट, कि जो हमारा स्टेडी है, वो जो हमारा प्लस माइनस नहीं होता है, उसमें अभी भी मुझे क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अवस्था के अंदर जब आपको मालूम होता है कि आखिर मैं तो शुद्धात्मा ही हूं, कोई भी अवस्था में, मन वचन काया की डिस्चार्ज की कोई भी अवस्था है उसमें मैं शुद्धात्मा हूं, वो क्लियर रहा, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है दर्शन के रूप में, वो भी क्लियर रहा, तो आपका डेवलपमेंट बढ़ गया। उस समय जो अज्ञान था डिस्चार्ज के रूप में कि मैं नामधारी हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अज्ञान निकल रहा है, और विज्ञान का उपयोग किया तो विज्ञान का उपयोग से डेवलपमेंट बढ़ा, मगर फिर क्या हुआ कि ये विज्ञान का उपयोग से अज्ञान तो निकल गया, मगर ये आपका जो उपयोग है वो परिस्थिति के अंदर आपने जो उपयोग किया वो उपयोग से, क्योंकि ये आपका स्वभाव नहीं है, क्या नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो इसी से बनता है मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग। नहीं तो संसार के लिए लायक और सहायक बनेगा अगर अज्ञान का उपयोग किया है, मैं नामधारी हूं और मैं कर्ता भोगता हूं, तो संसार के लिए लायक और सहायक बनेगा और अज्ञान पक्का होगा। हाँ, अभी इतना समझ में आता है कि कोई भी संजोग में अगर मेरा ज्ञान और दर्शन कुदरत का कानून के अधीन होता है और मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा यथार्थ दोनों विजन, जिसको आप बोलते हैं बेबान, दोनों भान एक ही साथ में रहता है, तो मेरा डेवलपमेंट का स्टेज बढ़ता है। और अगर टाइम बढ़ता है जी, और अगर उससे नीचे जैसे भी संजोग आता है, मुझे एट ए टाइम ज्ञान दर्शन याद नहीं रहता है या समझ में अप्लाई नहीं होता है, तो मैं संजोग के अधीन जो मैं बीज डालता हूं कि ऐसा न होना चाहिए, मुझे ऐसा होना चाहिए, तो उसको हम कॉज एंड इफेक्ट के रूप में समझ सकते हैं। दैट इज क्लियर नाउ। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। और कोई है?
હવે સ્વામીજી ટાઈમ થઈ ગયો છે હા નથી ઓકે 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 હે અંતર્યામી પરમાત્મા અંતર્યામી પરમાત્મા આપ હરેક જીવ કે અંદર વિરાજમાન હે આપ હરેક જીવ કે અંદર વિરાજમાન હે વૈસે મુજ મે ભી વિરાજમાન હે વૈસે મુજ મે ભી વિરાજમાન હે આપકા સ્વરૂપ આપકા સ્વરૂપ વોહી મેરા સ્વરૂપ હે વોહી મેરા સ્વરૂપ હે મેરા સ્વરૂપ મેરા સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા હે શુદ્ધ આત્મા હે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન મેં આપકો અભેદ ભાવ સે હું મેં આપકો અભેદ ભાવ સે અત્યંત ભક્તિ પૂર્વક અત્યંત ભક્તિ પૂર્વક નમસ્કાર કરતા હું નમસ્કાર કરતા હું અજ્ઞાનતા કે વશ અજ્ઞાન વશ અજાગૃતિ કે વશ અજાગૃતિ કે વશ દ્રષ્ટિ કે માધ્યમ સે દ્રષ્ટિ કે માધ્યમ સે મેને જો જો દોષ કિયે હે મેને જો જો દોષ કિયે હે વો સભી દોષો કો વો સભી દોષો કો આપકે સમક્ષ આપકે સમક્ષ જાહિર કરતા હું જાહિર કરતા હું ઉનકે લિયે ઉનકે લિયે હૃદય સે હૃદય સે ક્ષમા યાચના ચાહતા હું ક્ષમા યાચના ચાહતા હું હે પ્રભુ હે પ્રભુ મુજે ક્ષમા કરે ક્ષમા કરે ક્ષમા કરે મુજે ક્ષમા કરે ક્ષમા કરે ક્ષમા કરે और बार बार ऐसी गलतियां न करूं और बार बार ऐसी गलतियां न करूं ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें हे शुद्धात्मा भगवान हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो और अभेद स्वरूप प्राप्त हो आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे तन्मयाकार रहे जय सच्चिदानंद।